Unacademy. Let's crack it. कई विद्यार्थियों की एक प्रकार से रिक्वेस्ट थी कि मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस कैसे होती हैं, तो इस सीरीज के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं सी सेट की जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं उसके कुछ शुरुआती कक्षाएं आपको प्रस्तुत करना, आपके सामने रखना, जिसके माध्यम से आप ये समझ सके कि किस तरीके से ऑफलाइन में तैयारी कराई जाती है। इस सीरीज में आप यदि सी सेट की हमारी कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो 12 फरवरी को हम एक बैच लेकर आ रहे हैं जो 2024 के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन का आखिरी बैच है। 45 डेज का ये बैच होगा जिसका मकसद होगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में सी सेट पर आपकी जो कमजोरियां हैं उसे दूर करना। ये बैच इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पेपर के लेवल में परिवर्तन आ रहे हैं और जिस तरीके से पेपर दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, विद्यार्थियों को सी सेट में एक सीरियस तैयारी कराना ताकि आप एक बेहतर तरीके से इस पेपर को फाइट कर सके और क्वालिफाई कर सके। तो सभी का स्वागत है मुखर्जी नगर में। 12 फरवरी आप शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, उसका लिंक और जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और आनंद लीजिए इन शुरुआती 4 से 5 कक्षाओं का, जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस होता है ऑफलाइन की किसी कक्षा में और किसी अदर ऑफलाइन सी सेट की कक्षा में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। पार्टी आज पार्टी ही तो है। आज हम पार्टी के प्रारंभ में रीजनिंग का थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और मैथमेटिक्स के केवल शुरुआती कुछ पॉपकॉर्न जैसी चीजों का प्रारंभ करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं सी सेट का, और इस विषय को आप उतना ही सीरियस लेंगे जैसे हम जीएस को ले रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में पिछले साल का पेपर ये इस बात का प्रमाण है कि आप अगर इसमें सीरियस नहीं है तो हम आपको आईएएस बनने नहीं देंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जीएस का कट ऑफ पार हुआ है लेकिन सीसेट का कट ऑफ पार नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर बातचीत करते हैं, एक शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं क्या क्या हमें कवर करना है, और आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक डाइस का भी शुरुआत करेंगे। तो टाइटल डालिए सीसेट। एक टाइम लाइन भी समझा देता हूं सीसेट के बारे में। सीसेट जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, कुछ गंदे लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ये गलत है क्योंकि सी और सेट कोई अलग अलग नहीं है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट 2010 ये जो ईयर था या इसके पहले के जितने वर्ष थे, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे जनरल स्टडी का, 150 क्वेश्चन आते थे और 150 मार्क्स मिलते थे, और एक ऑप्शनल का पेपर होता था प्रीलिम्स में, इसमें 120 क्वेश्चन आते थे और 300 मार्क्स का होता था। अब ऑप्शनल में बड़ी दिक्कत होती थी, मान लो कि किसी ने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया है तो ज्योग्राफी वाले 5000 बच्चे हैं और केमिस्ट्री वाले 10 बच्चे हैं, तो केमिस्ट्री में से कितने बच्चे निकाले कट ऑफ तो फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत कठिन आ गया हो और बच्चा 20 भी ना कर पाया हो, और ज्योग्राफी का सिंपल आया हो और 40 और 60 आराम से कर पाए हो, तो बहुत कंफ्यूजन होता था। इसलिए प्रोपोर्शन का एक नियम होता था कि जितने बच्चे देंगे उसका एक प्रोपोर्शनल बच्चे निकाले जाएंगे। मान लो केमिस्ट्री में केवल 50 बच्चे बैठे हैं तो एक ही बच्चा निकलेगा फिर, तो फिर इस कारण से साइंस से लेकर कई सारे ऑप्शनल के साथ कई बार अन्याय हो जाते थे। काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी। इस पूरी समस्या का समाधान 2011 की रिकमेंडेशन में आया, और 2011 में इन्होंने कहा कि अब प्रीलिम्स में 2 पेपर हुआ करेंगे, एक पेपर का नाम पेपर 1 जिसको हम जनरल स्टडी कहेंगे, और एक पेपर का नाम पेपर 2 जिसका नया नाम रखा गया सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सी सेट। इसमें 80 सवालों का टारगेट रखा गया, 200 मार्क्स इसमें रखे गए, इसमें 100 सवाल और 200 मार्क्स इसमें रखे गए। इसके शुरुआती सिलेबस में लगभग 7 पॉइंट में सिलेबस था, जिसमें सबसे विवादास्पद था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यहां एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी भी YouTube पर बहुत से गंदे लोग अंग्रेजी के नाम पर प्रीलिम्स में डराते हैं। प्रीलिम्स में अब कोई भी अंग्रेजी नहीं है। पहले 2 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन आते थे,
एक बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंशन और एक हिंदी केवल अंग्रेजी वाले कॉम्प्रिहेंशन। अंग्रेजी वाले कॉम्प्रिहेंशन 9 या 10 आते थे, ये 10वीं के बच्चों के लेवल के होते थे। सोचे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए वो सबसे ज्यादा फ्री के मार्क्स है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए उन 10 क्वेश्चनों में पूरी तरह से जी जान लगानी पड़ रही, और अंग्रेजी वालों के लिए 10 क्वेश्चन मलाई बन गए। तो 2014 में बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ मुखर्जी नगर में, और इस बात के लिए काफी विरोध हुए कि ये जो अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन है, कहीं ना कहीं जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे, हिंदी नहीं, जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग खड़े हो रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए एक सपोर्ट है। भाई 10 सवाल बहुत बड़ी बात होती है, 8 सवाल भी पकड़ लो तो 20 नंबर, और 20 नंबर में तो कट ऑफ क्या, सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। सो फाइनली 2014 में बड़ा बदलाव किया गया, और 2014 में इंग्लिश को पूरी तरह से हटा दिया गया। मतलब रियल में आंदोलन तो हुआ था सीसेट को हटाने के लिए, बट फिर कम्युनिकेशन चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बातचीत हुई, बोले सीसेट में इंग्लिश की तकलीफ है ना, इंग्लिश हटा दी जाए, तो इंग्लिश हटा दी गई। अब इंग्लिश हट गई मतलब फिर विषय केवल बचे 4 या 5 ही, पर इसमें एक और बदमाशी की इन्होंने। 2013 तक में डिसीजन मेकिंग के 7 क्वेश्चन आते थे, इस पर कोई माइनस मार्किंग नहीं थी, और सबसे बड़ी बात कि इसके 2 आंसर होते थे, दोनों में किसको भी लगा दो तो नंबर मिल जाते थे। जब इनसे आरटीआई लगाया गया कि भी किसी पे कम किसी पे ज्यादा, बोले नहीं दोनों में कुछ भी लगाओ हम नंबर पूरे देते थे। तो ये तो मुफ्त के नंबर है ना भाई, 4 में से 2 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए नंबर मिलेगा, और माइनस मार्किंग नहीं है। तो 2014 में बोले अगर इंग्लिश हटेगा तो डिसीजन मेकिंग भी हटेगा, ताकि फ्री का किसी को कुछ ना मिले। तो 2014 में 2 बड़े बदलाव हुए। 2014 में आप पेपर अगर देखेंगे तो पेपर में, ओरिजिनल पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर में, लेकिन हर सेंटर पर पहली बार अनाउंसमेंट किया गया कि फलाना क्वेश्चन से लेकर फलाना क्वेश्चन अटेम नहीं करने, मतलब केवल 74 क्वेश्चनों का पेपर था। पहली बार 2014 में ऐसा हुआ था। 2015 में नई सरकार आती है बीजेपी की, और जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आती है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी आईएएस में या यूपीएससी की परीक्षा में कम चयनित हो रहे हैं, और उसके लिए जिम्मेदार है सीसेट, तो 2015 में इस सीसेट को डिक्लेयर कर दिया जाता है क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग, मुझे इतनी बातें इसलिए पता है क्योंकि ये जब पेपर आया था, मतलब जब पेपर नहीं आया था तब भी मुखर्जी नगर का पहला टीचर था जिसने 3 से 4 हजार बच्चों को सीसेट पढ़ाया था। मतलब पेपर आया भी नहीं, अभी पता भी नहीं पेपर में क्या आएगा, लेकिन जो उन्होंने आइडिया दिए थे उसके बेसिस पर मैंने ही मुखर्जी नगर में सबसे पहले सीसेट का शुभारंभ किया था। 2015 की घटना मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि एक जमाने में मास्टर 2014 तक 1-2 करोड़ छाप देता था। ये घटना, मतलब ये तारीख तक मुझे याद है कि जैसी खबर आई तो जहां बच्चे 400-500 का हॉल होता था, 200 बच्चे कभी कम नहीं रहे, 200-100 बच्चे हमेशा रहते थे, अगले दिन फीस दिए हुए बच्चे भी आना बंद कर दिए, मात्र 17 बच्चे आए थे अगले दिन, जैसे पता चला कि अब सीसेट क्या है, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि अब आपको 200 अंकों में से, 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स लाना है, एग्जैक्टली 33% क्वालिफाइंग है। इसको आप 1/3 नहीं कहेंगे क्योंकि 33.33 नहीं, एग्जैक्ट 33%। अगर किसी स्टूडेंट के 66.01 आते हैं तो वो पास है, और अगर किसी के 65.98 आते हैं तो वो फेल हो जाता है, और ऐसे कई आंकड़े हमारे पास हैं जो स्पष्ट करते हैं कि 0.23 के कारण, 0.12 के कारण स्टूडेंट मेंस नहीं लिख पाया, जबकि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर था। तो कट ऑफ मार्क 2015 में तय कर दिया गया 33%। बहुत खुशी की लहर थी, सभी जगह बिल्कुल जश्न मनाए जा रहे थे, और ये जश्न 2016-17-18 तक निरंतर रहे। इन 3 वर्षों में मुखर्जी नगर के अधिकतर सी सेट को पढ़ाने वाले मास्टर अपना जीवन यापन समाप्त करके बोरिया बिस्तर समेट के किसी और ग्रह पर जीवन यापन करने चले गए। किसी ने एसएससी पढ़ा दिया, किसी ने बैंकिंग पढ़ा दिया, लेकिन मास्टर अभी भी सी सेट पर लगा रहा। उसका कारण है क्योंकि कुछ तो दुखी होंगे, कोई तो एक होगा जो यहाँ उन दुखों को मोक्ष की ओर ले जाएगा।
तो फाइनली 2016 17 18 19 में जहां पूरे मुखर्जी नगर में कोई सीसेट नहीं पढ़ाता था, तब भी मैंने सीसेट निरंतर रखा, क्योंकि मुझे लगता था कभी ना कभी दिन तो पलटेंगे और वो तपस्या का फल बढ़ने लगा। 2018 में अचानक पेपर में एक बड़ा बदलाव आते हुए डाटा इंटरप्रिटेशन के 13 प्रश्न यूपीएससी ने पूछ लिए और यहां से पेपर का लेवल अब चेंज होने लगा। 2020, 2021 और 22 में मैथमेटिक्स ने इतना ज्यादा डोमिनेंस ले लिया कि अब 80 सवालों में, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2011 में पढ़ाया भी और मैंने पेपर भी दिया है क्योंकि मैं देखना तो चाहता ही था, तो 2011 का मेरा स्कोर आउट ऑफ 200 191 मार्क्स है, मतलब 9 नंबर ही मेरे कटे थे बस। तो मुझे गारंटी थी कि भी इस पेपर में ऐसी कोई औकात नहीं है कि कोई तकलीफ देगा ये कभी। पर जब मैंने 2011 के क्वेश्चन की बात करूं, उस समय 12 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे, 2020 और 21 आते आते मैथ्स के क्वेश्चन 35 तक चले गए। कॉम्प्रीहेंशन के सवाल जो पहले 32 से लेकर 35 तक आते थे, अब ये 27 और 28 पर फिक्स्ड हो गए हैं। पेपर को कई बार देखने पर, पहली बार देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेपर में सिवाय कॉम्प्रीहेंशन के कुछ भी नहीं। उसका कारण है उसका साइज बड़ा होता है, तो बच्चे को ऐसा भ्रम होता है मैथ रीजनिंग तो है ही नहीं, सब कुछ क्या पूछा, कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन पिछले 5 वर्षों में 27 और 28 के इर्द गिर्द ही है, ना बहुत ज्यादा बढ़े ना बहुत कम हुए हैं। और इसमें जो कम हो गया एक तरीके से बचे हुए रीजनिंग, पहले रीजनिंग बहुत आता था, रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चन, 2012 के पेपर में मात्र 2 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, बचे हुए पूरे क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के कहिए, रीजनिंग के कहिए, कॉम्प्रीहेंशन के, लेकिन मैथ्स के मात्र 2 ही प्रश्न थे। पर इसी पड़ाव में 2023 का पेपर आता है जिसने एक बार पुनः सामने लाकर बात कर दी है कि यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स तो सीखना पड़ेगा। कई बच्चों ने मेरा वो वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाकर पिछले बार सातवना प्राप्त कर ली है, घर वालों को बता दिया है, देखो हमारा ये मास्टर पिछले कई सालों से सीसेट पढ़ा रहा है, ये खुद क्या कह रहे हैं। पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, इस बार एक मौका और तुम्हें दे देते हैं, अब ऐसा वीडियो अगली बार नहीं बनने वाला। उस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना था कि ये बात क्लियर हो जाए कि विरोध होगा, जहां भी चीजें गलत होगी उसका कारण मुझे जो बुरा लगा। जीएस का पेपर आप कितना भी कठिन बनाइए, क्योंकि उसमें कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, लेकिन सीसेट में जब कट ऑफ डिसाइडेड है 33%, तो आप उसका एक लेवल से ज्यादा लेवल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर वो सबके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। और हमारा मकसद है कि जो लोग मेहनत करे वो चयनित हो, किस्मत वाले अगर हर बार चयन लेते चले जाएंगे तो मेहनत और किस्मत की जंग में हर बार किस्मत जीत जाएगी, फिर पेपर लेने की जरूरत नहीं, लकी ड्रॉ निकाल दीजिए, जिसकी किस्मत होगी वो बेस्ट होगा, ना कोचिंग का झंझट ना कुछ, घर वाले भी यकीन करेंगे बेटा किस्मत ही खराब थी, क्या कर सकते थे, तुम्हारे आगे वाला बच्चा निकल गया, उसका चिट आ गया हाथ में, तुम्हारा नहीं आया, तुम्हें भी कोई बुरा नहीं सुनना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति जिस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें वैसे क्वेश्चन दीजिए कि वो अपनी पढ़ाई का उपयोग करके उन्हें हल करने का प्रयास कर सके। पर 2023 के पेपर के बाद एक और क्लैरिटी है कि हाँ हमें इसमें बहुत अच्छा काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अब आपको मैं बस एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं जितना डेली पढ़ाऊंगा उसे आप आधे घंटे एक घंटे रिवाइज करिए और मात्र 10 क्वेश्चन का वादा करिए कि सर कुछ भी हो जाए मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या करूंगी, ताकि आप जब 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं कि लगभग मान लीजिए 2.5 महीने क्लास चलेगा, 75 दिन या 90 दिन, तो 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं क्लास के अंदर किसी भी हालत में 20 सवाल तो हल कराऊंगा ही, रीजनिंग के 10, मैथ्स के 10, 2 घंटे में, तो एक मोटे तौर पर कहे तो 1800 सवाल वो हो जाएंगे। 1800 और 900, 2700 सवाल अगर आपने कर लिए तो किसी एग्जामिनर की ताकत नहीं कि आपको 27 सवाल सही होने से रोक दे। हमें कितने सवाल सही करने हैं अगर हम चाहते कि सीसेट में कंफर्ट जोन में आए, तो 80 में से 27 सही करने, लेकिन 27 दिमाग से निकाल देना,
क्योंकि कोई भी महान व्यक्ति 27 सवाल हल करे और पूरे 27 सही हो जाए, वो भी एग्जाम में को भी यूपीएससी के, ये नामुमकिन सी बात है। 30 क्वेश्चन वाला 90% चांसेस फेल के हैं, 10% चांसेस पास के होते हैं जो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। 40 क्वेश्चन में 50-50 का खेल हो जाता है कि 50% पॉसिबिलिटी है पास भी हो सकते हैं और 50% पॉसिबिलिटी है फेल भी, क्योंकि 40 में 8 से 9 क्वेश्चन नॉर्मल गलत होंगे ही, कॉम्प्रिहेंशन में कोई गारंटी नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम तो ये तक है कि अगर मैं प्रमाणित कर दूं कि बी आंसर है और रियल में बी है लेकिन यूपीएससी ने सी मान लिया, तो हम कर भी क्या लेंगे उसका, क्योंकि उसका जो जवाब आता है वो अगले साल तब आता है जब दुनिया पिछले साल की तबाह हो चुकी होती है। इसलिए 40 क्वेश्चन 50-50 की पॉसिबिलिटी है, सबसे सेफ जोन मैं मानता हूं 50 क्वेश्चन या 50+, इसमें पॉसिबिलिटी 90-10 की हो जाती है, 90% पास की पॉसिबिलिटी और 10% फेल की पॉसिबिलिटी है। भाई बहुत खराब ही पेपर, मतलब तुक्के ही लगा दिए पूरे 50 तो फिर थोड़ी पास हो पाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन अटेम करने हैं। अब ये 50 क्वेश्चन अटेम कब हो सकते हैं, जब आपने 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के किए होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के किए होंगे और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन मैथ्स के किए होंगे। 55 करोगे तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के करने पड़ेंगे, मतलब तीनों विषय पर अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आप 50 का उस टारगेट तक पहुंच नहीं सकते। तो ये पूरी क्लैरिटी रखिएगा कि अगर आपको सीसेट निकालना है तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50। यहां भी अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आदत डालिए 2 घंटे में 50 क्वेश्चन होने चाहिए, 120 मिनट में 50 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, टाइम अच्छा मिल रहा है आपको, बस आपको अपनी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। 50 और 60 के बीच में जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट रहता है, ये हमेशा ही मैंने देखा है। तो ये आदत रखनी, और ये तभी संभव होगा जब आपके तीनों विषय में पकड़ एक जैसी रहेगी। तो अब 2020 के बाद यूपीएससी के सीसेट में मोटे तौर पर 5 विषय रह गए हैं। ये 5 विषय जिन्हें हम पूरी तरह से कवर करेंगे इस बैच में। सबसे पहले की बात अगर हम कहें तो वो है मैथ्स। ये विषय मिनिमम 2 क्वेश्चन 2012 में और मिनिमम 35 क्वेश्चन 2023 में, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। औसतन पकड़िएगा इसे तो 25 से 30 सवाल के लिए माइंडसेट में रखेगा कि इतने तो आएंगे ही, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन, क्योंकि यही एक सेगमेंट है जो पेपर के लेवल को अपग्रेड करता है, इसी कारण से पेपर कठिन होगा। दूसरा रीजनिंग है, अच्छा सब्जेक्ट है और ये इसलिए भी पढ़ना चाहिए स्टूडेंट ने क्योंकि दिमाग को बढ़ाने के लिए, जैसे होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मसल्स बढ़ाना चाहता है, बाइसेप्स ट्राइसेप बनाना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, जिम ज्वाइन करे ना करे लेकिन एक्सरसाइज करनी होगी जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर प्रेशर पड़ना चाहिए। जितना बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉडी में उसके हाथ बिल्डअप होंगे, इस पर प्रेशर बढ़ने का तरीका अलग है। इमेजिन करिए कि ये भी बाइसेप्स ट्राइसेप जैसा होता तो मैं हरेक के सिर पर 2 किलो बांध देता। आप कहते सर पिछले 1.5 साल से मैं 1.5 किलो लेकर चल रहा हूं, अब तो दिमाग बढ़ नहीं गया है, अब बस कुछ समय के बाद मैं आइंस्टीन के साथ खेलने वाला हूं। मतलब अगर सोचिए कि इतना आसान होता मसल्स को बनाना और दिमाग को बनाना, दिमाग को बनाना बहुत ही मुश्किल और धीमी प्रक्रिया है और इसका दबाव उस पर तब उत्पन्न होता है जब इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वो भी दबाव की स्थिति में, बहुत ज्यादा स्ट्रेन स्ट्रेस के रूप में, और उसके लिए होते रीजनिंग और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट। ये उस पर दबाव उत्पन्न करते और अपने मस्तिष्क को विकसित कराते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि कुछ लोग ज्यादा अच्छे क्यों है और कुछ लोग कम अच्छे क्यों है, तो उसका केवल अंतर है किसने कितना दबाव झेला, किसने कितने दबाव में काम किया है। जैसे मान लीजिए कि एक घर में पेरेंट्स ऐसे हैं कि एक भी गलती होने पर 2 थप्पड़ लगा देते हैं। अब इमेजिन करो उस बच्चे का दिमाग और कॉन्शियस माइंड हमेशा ही एक्टिव रह रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके दिमाग का विकास
होगा ही। अगर वो सुधर गया तो बहुत अद्भुत भयानक चला जाएगा, पर अगर वो बिगड़ गया तो एनिमल बन जाएगा। स्थितियां इतनी भी भयानक हो सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जितना मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं उतना ही मस्तिष्क का विकास होगा, जितना ब्रेन डेवलप्ड होगा उतना जीएस में आपका थॉट प्रोसेस भी बेस्ट होगा। लोग कहते हैं कि पॉलिटी पढ़ने के लिए पॉलिटी समझना जरूरी है, मैं कहता हूं पॉलिटी को समझने के लिए रीजनिंग पढ़ना जरूरी है। जो व्यक्ति रीजनिंग और मैथ्स को बारीकी से समझ पाता है वो विषय के ताने बाने को बहुत बढ़िया से कवर कर पाता है। तो जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ब्रेन डेवलप्ड होता जाएगा। दुनिया के महानतम वैज्ञानिक, कोई भी महानतम वैज्ञानिक ले लो, वह सिवाय मैथमेटिक्स के महान बना ही नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर में सबसे पहले फिलोसोफर आते हैं सुकरात। उन्होंने अपने स्कूल जब बनाई ना सुकरात ने, तो सुकरात ने अपने दरवाजे पे क्या लिखा था, यदि आपको गणित नहीं आता तो यहां आपका प्रवेश वर्जित है। और जबकि वो पढ़ा क्या रहे हैं, फिलोसॉफी, क्योंकि उन्हें पता है उस फिलोसॉफी को समझने के लिए भी एक मस्तिष्क का होना, जिसके अंदर ताने बाने को समझने की काबिलियत होना जरूरी है। इसलिए गणित पढ़िए, और ये उम्र का आखिरी पड़ाव है जहां गणित पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसके बाद पेरेंट्स बनोगे और बच्चे के सामने गलती करोगे तो बच्चे के अंदर इमेज खराब होगी, फिर वो अंदर के अंदर कहेगा बड़ी हवाबाजी करता है, खुद कुछ नहीं आता इसको। इसलिए, और आजकल के बच्चे कुछ ठीक नहीं है, हम बहुत अच्छे बच्चे थे, कैसे पता था पिताजी को कुछ नहीं आता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कभी ऐसा सोच भी सके। आजकल की पीढ़ी सोचती नहीं है, बोल देती आपको क्या आ रहा है। इसलिए सावधान रहिए, इसलिए सीख लीजिए, ताकि दुनिया भर की नजरों में गधे रहे कोई तकलीफ नहीं होती। बच्चे की नजरों में जब आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है, तो अंदर की आत्मा मरने की कगार पर जाएगी और वो न जाने किस दिन कोमा में पहुंचकर पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। इसलिए वो आखिरी मौका है जब आप अपने आप को तैयार करेंगे कि सर आज आप सिखा ही दीजिए, ताकि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को बता सकूं कि बेटा तुमसे बेहतर प्रयास किए हैं, कम और कम से कम संसाधनों में तुमसे ज्यादा बेहतर लाने का कोशिश किया है। तो मैथमेटिक्स सीखिए इसलिए क्योंकि अब तुम्हें आने वाले समय में पेरेंट्स भी बनना है। तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन, और ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी वालों को हिंदी में और अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में, तो हम ये पढ़ेंगे बिल्कुल बाइलिंगुअल ही दोनों कॉम्प्रीहेंशन। चौथा सब्जेक्ट जो कि बीच बीच में आते रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कभी आपको बार ग्राफ के सवाल आते हैं, कभी आपको लाइन ग्राफ के सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और आखिरी सब्जेक्ट है डाटा सफिशिएंसी। 2020 से लेकर तो 2023, इन चार वर्षों में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं रीजनिंग और मैथ्स पर ही, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल नया होता है। तो डाटा सफिशिएंसी पर भी हम काफी विस्तार से चर्चाएं करेंगे। मोटे तौर पर इस पूरे के पूरे क्लास का मकसद इन पांच विषयों को कवर करना है। हम हमेशा क्लास में एक घंटे का रूल फॉलो करेंगे। जैसे अगर मुझसे आप कहे कि सर आप ही सीसेट में इतने ज्यादा चर्चा में क्यों आए, या आप ही सफल क्यों हुए, तो मुझे उसका एक कारण ये भी लगता है कि मैंने इस प्रकार से नहीं पढ़ाया। जैसे क्या होता है बाकी जगह पर, कोई एक टीचर सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो क्या होता है कि एक टीचर आया तो 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ा के जा रहा है, फिर मैथ्स खत्म होने के बाद 2-2.5 घंटे रीजनिंग पढ़ा रहा है, और इसी कारण से बच्चों के अंदर एक प्रकार से बोझिलपन आ जाता है, क्योंकि मैथमेटिक भारी हो जाता है और रीजनिंग हल्का हो जाता है। हमारे क्लास में हमेशा ही पहला एक घंटा हम रीजनिंग का रखेंगे और एक घंटा मैथ्स का। रीजनिंग का सिलेबस भले ही नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है लेकिन छोटा है, इसलिए वो पहले खत्म हो जाएगा। जैसे ही रीजनिंग खत्म हो जाएगा हम उसकी जगह लेकर आ जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। जब तक डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म होगा, इधर मैथ्स खत्म होने की किनारे पर रहेगा, फिर हम डाटा सफिशिएंसी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट अब बच जाएगा उसके साथ फिर कॉम्प्रिहेंशन का कॉम्बिनेशन चलेगा। लास्ट में केवल कॉम्प्रिहेंशन ही रहेगा, तो फिर हम केवल कॉम्प्रिहेंशन को विस्तार से करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में गलत होने का सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थी का जादुई चीजों की ओर आकर्षित होना। यूट्यूब पर कुछ वीडियोज ऐसे आ गए हैं, ये 3 नियम और सभी कॉम्प्रिहेंशन हल,
बच्चे को लगता है कि सच में होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेलेक्टेड है तो वो बता देते हैं कि तीन नियम, बच्चे को यकीन आएगा क्योंकि वो सेलेक्टेड है। पर यकीन मानिए वो जो तीन नियम उसने बनाए हैं, उस तीन नियम पर आधारित जो छह कॉम्प्रिहेंशन है, वो उन छह कॉम्प्रिहेंशन को वीडियो में बता देगा और कहेगा कि बाकी भी ऐसे ही है। जबकि यूपीएससी ने पिछले 13 वर्षों में अगर हम 30 कॉम्प्रिहेंशन का एवरेज पकड़ ले तो 390 मतलब 370 कॉम्प्रिहेंशन औसतन पूछे हैं। इन 370 को जब तक आप पूरे सॉल्व नहीं करोगे तब तक उसकी सिद्धांतों को, उसके थ्योरी को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। यूपीएससी जैसा इंस्टीट्यूट तीन नियमों के आधार पर अगर उत्तर देने वाले विषय बना देता तो आज वो अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाता। भले उन वीडियो को आनंद लेने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, कभी कभी मन बहलाने के लिए देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैंने भी एक दो वीडियो डाले हैं। क्या करूं, जिस दिशा में धाराएं बहती हैं उस दिशा के खिलाफ चलता हूं तो लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, मास्टर की रोजी रोटी जा रही होगी, मास्टर का पेट खाली रह रहा होगा। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप उसके एक एक सवाल को नहीं देखोगे, बारीकी से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उसके सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन पूरी तरह से पढ़ेंगे हम, 8 दिन 10 दिन में जितने कॉम्प्रिहेंशन हो सकते वो सारे कवर करेंगे। लगभग 100 से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन हम सॉल्व करेंगे और 100 आप ट्राई करेंगे, तब जाकर कॉम्प्रिहेंशन में एक समझ विकसित होगी जो कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ अब मैं उत्तर तक पहुंच जाता हूं जाती हूं। तो क्या ये सिलेबस समझ में आ गया है? आइए टाइटल डालिए फिर, सबसे पहले मैथमेटिक्स सिलेबस देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? हमारा जो मैथमेटिक्स है, यूपीएससी ने 10th लेवल का मैथमेटिक्स कहा है, तो पहले मैं लिखवा देता हूं क्या क्या सिलेबस में है। ये सिलेबस यूपीएससी ने नहीं दिया, फिर मैंने कहां से लाया, मेरे कोई रिश्तेदार है। वो पिछले 13 वर्षों के पेपरों को देखने के बाद हम इस बात तक पहुंच सकते हैं कि कौन से चैप्टर से वो कितने सवाल पूछता है, और उसके बेसिस पर एक आइडिया लग जाता है कि इस महोदय ने अपने सिलेबस का दायरा क्या बना के रखा हुआ है, उसी को हम सिलेबस मानते हैं। सबसे जरूरी जो पिछले साल का पेपर सभी को अचरज में लेकर गया वो था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, लस और मस। फिर प्रॉब्लम ऑन एज, आयु पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज आयु पर आधारित प्रश्न। जहां भी हिंदी में तकलीफ आए मुझे बताते चलिएगा। परसेंटेज प्रतिशत, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मिश्रण एलिगेशन, रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, समय और कार्य टाइम एंड वर्क, प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, समय और दूरी टाइम और डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित प्रश्न, ट्रेन पर आधारित प्रश्न, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता,
प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, मिसलेनियस, विविध, विविध मतलब कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। मोटे तौर पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये वो सेगमेंट है जिससे सवाल आए ही है, कभी एक कभी दो, लेकिन आए हैं सवाल। एलिगेशन को हिंदी में मिश्रण कहेंगे, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, समय और कार्य, पाइप और टंकी, समय और दूरी, ट्रेन पर आधारित प्रश्न, क्रमचय और संचय, प्रायिकता और मिसलेनियस, विविध। पांच टॉपिक मैं और दिखा रहा हूं जिसपे 13 वर्षों में एक सवाल आया है। हमारा मकसद है कि हम जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड रहेंगे बेटर रहेंगे, लेकिन हम डाइवर्सिफाइड का मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि एक सवाल के लिए भी दो दो दिन लगाएंगे, तो हम उसको वहां पर कहेंगे कि भाई जिसको लगता हो वो कर लीजिएगा, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, एक सवाल आया इस पर 2019 का। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा, रेस, दौड़, इस पर एक सवाल आए हैं। रेस पर एक सवाल आया है, नाव और धारा पर एक सवाल आया है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर सवाल आया है एक एक, पर पीसीएस में इस पे सवाल आ जाते हैं ठीक ठाक। तो ये वो सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल, आपका मूड है करिए, नहीं है छोड़ दीजिए, इसको हम एक बार स्किप कर सकते। लेकिन अब मैं वो मैथमेटिक्स बता दे रहा हूं जो कभी नहीं आता, कोई भी मास्टर किसी भी प्रकार से उसे पढ़ाने का प्रयास करे, डराने का प्रयास करे, छोड़ देना, वो नहीं आते। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, समझते ना, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा, ये यूपीएससी नहीं पूछती। जियोमेट्री, ज्यामिति, जिसमें थीटा फिर वो परपेंडिकुलर वाली जो बातचीत आती है, ये यूपीएससी नहीं पूछती। एलजेब्रा, बीजगणित, एक्स और वाई वाले जितने भी सवाल होते हैं जी भर के एसएससी में और कुछ एग्जामों में आते, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछती। ये तीन सेगमेंट हमें नहीं करने हैं। यहां एक और शब्द चैप्टर डाल दूं मैं, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में तीन सवाल अभी तक आए हैं, पर क्षेत्रमिति का मतलब होता है कि जितने फार्मूले इन 15 चैप्टरों में पढ़ेंगे, अकेले एक ही चैप्टर में उतने फार्मूले पढ़ने हैं। तो बहुत बड़ा मेहनत करके तीन सवाल, जो कि 2011 में दो सवाल और 2016 में एक सवाल है, उसके बाद आया ही नहीं है। तो क्षेत्रमिति भी हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है, करना है नहीं करना है, ये इसको आप छोड़ भी सकते हैं, वो छोड़ने ही है, उसे कभी करना नहीं है। कुछ गंदे टेस्ट सीरीज वालों ने इनके सवाल डाले और बच्चे फिर मेरे पास आ जाते हैं, सर आपने ये पढ़ाया नहीं। मैंने नहीं गलती की है, गलती उनकी है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। आप 2011 से 2023 का पेपर देख सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलजेब्रा नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं आते। जैसे कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री भी होती है, वो भी नहीं आता है। तो ये हमारा दायरा रहेगा मैथमेटिक्स का। ये नोट इसलिए करके रखे, जिस दिन मैं आपको कहूंगा कि अब तुम्हारे पैसे वसूल हो गए, तुम यहां से निकल सकते हो, उस समय पुनः चेक कर लेना मास्टर ने कुछ छोड़ा तो नहीं, क्योंकि वर्तमान के इस बाजारवाद में हर कोई मुद्राओं के पीछे नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इस विषय में, क्योंकि इस विषय का रियल में आपको मैं बताऊं तो 2010 से पहले रीजनिंग पढ़ाने वाले ही कभी मिलते ही नहीं थे, तो शायद मुखर्जी नगर में मैं पहला व्यक्ति था जिसने रीजनिंग पढ़ाने का हिम्मत जुटाया। और रीजनिंग इसलिए पढ़ा सकता है वही व्यक्ति जिसने कभी फिजिक्स पढ़ा होगा,
क्योंकि जितना दिमाग रीजनिंग में लगता है उसका जैसा ही दिमाग फिजिक्स में भी लगता है। तो रीजनिंग को मैंने अपने अनुसार पूरा डिवाइड किया है। मार्केट में जितनी भी दुनिया अभी तक रीजनिंग की है, मैं दावा कर सकता हूं कि उन्होंने जितना सोचा है उससे एक स्टेप हम आगे ही रहेंगे, क्योंकि अभी जितना लोग सोच रहे होंगे पहली पीढ़ी का टीचर होने के कारण उससे आगे सोचने की आदत है हमारे अंदर। तो इसको हमने 5 भागों में बांटा है रीजनिंग के विषय को। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इसको जनरल मेंटल एबिलिटीज में, सामान्य बौद्धिक योग्यता में। सामान्य बौद्धिक योग्यता में जिसमें हम पढ़ेंगे कैलेंडर, घड़ी, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, कोडिंग डीकोडिंग, कूट भाषा, कूट भाषा, कोडिंग डीकोडिंग, श्रेणी सीरीज, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति, रैंकिंग वरीयता, अक्षर परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, घड़ी, दिशा परीक्षण, कूट भाषा, श्रेणी, अंक गणितीय तर्क शक्ति, रैंकिंग वरीयता, अक्षर परीक्षण, दूसरा पार्ट है इसका एनालिटिकल रीजनिंग का, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का। रीजनिंग का सबसे टिपिकल पोर्शन यही है जिसमें हम पढ़ेंगे पजल, पहेली, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी संबंध, कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन और सिलेक्शन टेस्ट, चयन पर आधारित प्रश्न। सिलेक्शन टेस्ट, चयन पर आधारित प्रश्न, सबसे कठिन सिलेबस यही माना जाता है। लॉजिकल रीजनिंग ये एक ऐसा सिलेबस है जिसे उन विद्यार्थियों को टारगेट करके बनाया गया है जिनका मैथमेटिक्स के प्रति बहुत दुख है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के सवाल, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और धारणा के सवाल, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन और तर्क के प्रश्न, सिलोजिज्म, न्याय वाक्य, इस तरीके के टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग, चित्र पर आधारित तर्क शक्ति, चित्र पर आधारित प्रश्न, आपने कभी बैंकिंग दिया होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, डाइस, पासा, घन, क्यूब, चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्रों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, चित्र श्रेणी, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज,
जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर काटना, रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कुछ इतना है। इसके अलावा भी एक आखिरी में मिसलेनियस लिख सकते हैं हम लोग हर एक जगह पर, कि कुछ भी अगर लगता हो कि हाँ ये भी कवर करना है तो मिसलेनियस में देख लेंगे। लगभग 25 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, तो बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन ये कई टॉपिक ऐसे जो एक ही दिन में चार चार खत्म हो जाएंगे। कुछ ही टॉपिक ऐसे जिनको दो दो तीन तीन दिन लगते हैं, जैसे पजल को टाइम लगेगा, सिलोजिज्म को टाइम लगता है, सिटिंग अरेंजमेंट को टाइम लगेगा, कैलेंडर को टाइम लगता है, बाकी अधिकतर अंक गणित तर्क शक्ति को टाइम लगेगा, लेकिन बाकी अधिकतर एक दिन और आधे दिन के टॉपिक होते हैं। आधा दिन मतलब आधे घंटे में खत्म हो सकते हैं। क्लियर है सिलेबस? ये इसलिए भी रखिए ताकि आखिरी में निशान लगा के रखने की हाँ ये हुआ कि नहीं हुआ। चेंज करें इसको। एक नजर डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस देख लीजिए। डाटा इंटरप्रिटेशन में चार टॉपिक कवर करने हैं, पाई ग्राफ, बार ग्राफ को हिंदी में दंडाकार वक्र कहते हैं, लाइन ग्राफ, रेखा वक्र और टेबल। जिसको हिंदी में सारणी भी कहते हैं। तो मोटे तौर पर डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें ये चार टॉपिक कवर करने हैं। डाटा सफिशिएंसी का अपना कोई सिलेबस नहीं, मैथ रीजनिंग के ही सवाल डाटा सफिशिएंसी में आएंगे, पूछने का तरीका बदल जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का कोई सिलेबस नहीं, क्योंकि वो तो कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज मतलब जिसको आपने कभी देखा नहीं है, ऐसी बात आपसे पूछी जाए। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे की बुद्धिमत्ता को चेक करने का कॉम्प्रिहेंशन। देखो कॉम्प्रिहेंशन इसलिए सबसे बढ़िया तरीका मैं मानता हूं, मैथमेटिक्स को मैंने आपको सिखाया, आप ट्रेन हो गए और फिर आप चले गए, मतलब आप एक अच्छे ट्रेनी हैं, पर आपकी बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा बुद्धिमान होना और नॉलेजेबल, मतलब इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल, ये शब्द थोड़े समझ लीजिए। इंटेलेक्चुअल होना और नॉलेजेबल होने में अंतर है। जब आप यूपीएससी की पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, जब विषय पढ़ के जा रहे हैं, तो आप नॉलेजेबल बन के जा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलेक्चुअल है। आपके दसवीं में परसेंटेज अगर 96 है तो वो आप नॉलेजेबल के कारण है, क्योंकि आपने उस सिलेबस को उतना अच्छे से याद किया था और एग्जाम हॉल में लिखकर आ गए थे, पर इसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि आप इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल को तभी जांचा जा सकता है जब प्रेजेंस ऑफ माइंड को जांचा जाएगा, जिसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब कुछ ऐसी चीज है जिसको आप कभी ना कभी ट्रेन करके, सीख कर, रट कर, बहुत हार्डवर्क करके कभी ना कभी उसमें अपने नॉलेज को इंक्रीज कर लोगे। लेकिन रियलिटी में तुम्हारा दिमाग बुद्धिमान है या नहीं है ये पता चलता है कॉम्प्रिहेंशन से। आपके सामने एक जानकारी दी हुई थी, हर विद्यार्थी ने उस जानकारी को पढ़ा और हर विद्यार्थी ने उसके आधार पर सही जानकारी तक पहुंच पाया। जो सही जानकारी तक पहुंचा उसने अपने बुद्धि का उपयोग किया है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन बुद्धिमत्ता को चेक करने का एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति वही पढ़ पा रहा है, वही सोच पा रहा है, वही समझ पा रहा है जो राइटर ने कहा था। और अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो राइटर बोल कुछ रहा होगा, वो समझ कुछ रहा होगा और रिजल्ट निकालेगा कुछ और। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से बुद्धिमत्ता के परीक्षण के लिए बहुत जरूरी है।
हमारे दसवीं वालों में जिन्होंने कॉम्प्रिहेंशन हमसे पूछे वो इतने गंदे पूछे थे कि उनको खुद को नहीं पता कि कॉम्प्रिहेंशन का सवाल कैसे बनाए, वो सीधी लाइन की लाइन पूछ लेते थे, हम भी बड़े इंटेलिजेंट वही लाइन ढूंढकर उसके आसपास लिख देते थे। वो एक अलग जिंदगी थी, ये मेंटोस जिंदगी है। यहां पर ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन हम आपको देंगे, क्वेश्चन भी बहुत अद्भुत बनाए जाएंगे। मेरे हिसाब से दसवीं में बारहवीं में बोर्ड की परीक्षा हो ना हो लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की परीक्षाएं जरूर ली जाए, क्योंकि नॉलेजेबल होने से ज्यादा जरूरी है इंटेलेक्चुअल होना। वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिंदगी में होटल भी खोलेगा तो कुछ अद्भुत करके आएगा। इस दुनिया में हर फील्ड में वे सफल हुए हैं जो इंटेलेक्चुअल थे। नॉलेजेबल लोग 10 से 5 की नौकरी करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग संसार चलाने के नियम बनाते हैं। इसलिए हमें अपने देश में नॉलेजेबल कम चल जाएंगे पर इंटेलेक्चुअल चाहिए। लेकिन अभी हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इंटेलेक्चुअल को साइड में कर देता है और नॉलेजेबल को बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। घर के लोग, मोहल्ले के लोग, अड़ोसी पड़ोसी उस नॉलेजेबल पर्सन का इतना गुणगान करते हैं कि इंटेलेक्चुअल कहता है कि मेरे लिए यह दुनिया नहीं बनी है, मुझे मंगल ग्रह पर ही अपनी बस्ती बसानी पड़ेगी, जिसमें इलॉन मस्क पहले व्यक्ति हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। तो आइए जीवन पर लौटते हैं और शुभारंभ करते हैं रीजनिंग का। टाइटल डालिए आज पहला टॉपिक, एक अच्छे टॉपिक से शुरुआत करना पसंद है मुझे। पासे से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसने भारत को महाभारत बनाया। ना शकुनी जी पासे फेंकते, ना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास होता, ना फिर युद्ध होता, ना फिर वो ज्ञान की गंगा बहती और ना फिर हम हवाबाजी कर पाते। तो ये वो घटना है, ये वो संरचना है जिसने भारत को महाभारत बना दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। बहुत साधारण सा स्ट्रक्चर जिसे आप सांप सीढ़ी में या लूडो के गेम में यूज करते हैं। एक घन आकार की आकृति होती है, जनरली अगर हम बात करें तो इस घन आकार की आकृति को इस पर डॉट बने होते हैं, कुछ जगह डॉट बने होते हैं, कुछ जगह नंबर लिखे होंगे। एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा उसमें वो एबीसीडी भी लिख सकता है क्योंकि वही दुनिया में स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। तो यहां नंबर या डॉट बने होते हैं पर एग्जाम हॉल में कभी भी ऐसा डायग्राम नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा डायग्राम आया तो फिर पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। खुले तौर पर दिख रहा है कि 1 के अपोजिट 3 के अपोजिट, इसलिए फिर सवाल बनेगा ही नहीं। ऐसी जगह पर एग्जामिनर जब भी सवाल बनाएगा तो डाइस का डायग्राम आपको इस रूप में देगा ताकि केवल कुछ ही सरफेस दिखाई दे और कुछ सरफेस दिखाई न दे। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर मान लीजिए कि 1 है तो नीचे क्या है नहीं दिखेगा, इस सामने की सरफेस पर 2 है तो पीछे क्या है हम नहीं देख पाएंगे, और इस साइड में अगर 3 है तो उस साइड में क्या है हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब एग्जामिनर के डायग्राम में हमें केवल कितनी सरफेस दिखाई देगी, 3, और 3 सरफेस छिपी रहेगी जिसके बारे में हमसे पूछेगा। तो पहले तो ये चित्र बनाना सीख लीजिए क्योंकि आज हम इसके कई चित्र बनाएंगे। इसको कहते हैं डायमंड, 3 लाइनें बराबरी की खींचनी है और इसको जोड़ देना है। क्लियर है ये बात। आइए जरा पासे को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए डस्टर तो नहीं है पुराना, ये मेरे को रबर दे दीजिए। देखिएगा दिख रहा है ना सभी को, नहीं दिख रहा है? ठीक है फिर हवाबाजी कर लेते हैं। आप समझ लीजिए कि ये पासा है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसके ठीक नीचे वाला जो सरफेस होगा हम इसको कहेंगे अपोजिट सरफेस।
लेकिन ये जो सरफेस है, इसके ये वाली जो सरफेस है, इसको हम अपोजिट, इसे कहते हैं हम एडजेसेंट या निकटतम सतह। इस वाली सरफेस के ये वाली सरफेस को हम कहेंगे एडजेसेंट सरफेस, ये वाली सरफेस एडजेसेंट होगी, और ये सरफेस भी, आप जरा इसको देख लीजिए फिर से, इस सरफेस की इस सरफेस से रिलेशन में अपोजिट, लेकिन इस सरफेस का इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, और इसका इसके साथ रिलेशन। तो हम कहेंगे कि किसी भी डायस में एक सरफेस के अपोजिट में एक सरफेस होती है, लेकिन एडजेसेंट में, तो पहला पॉइंट नोट करना है, पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, वन सरफेस इज अपोजिट टू एनी वन सरफेस, जबकि चार निकटतम सतह विद्यमान होती है, वाइल फोर एडजेसेंट सरफेस आर देयर, जबकि चार निकटतम सतहें विद्यमान होती हैं, जबकि चार निकटतम सतह विद्यमान होती है। अब जरा डायग्राम पर गौर करते हैं, इस डायग्राम के अपोजिट ये जो वन है, वन के अपोजिट तो हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये वन टू के क्या है, ये थ्री के क्या है, और थ्री टू के क्या है, ये सारे एक दूसरे के, इसमें कभी कोई अपोजिट, मतलब डायग्राम में आपको हमेशा ही सारे लोग एक दूसरे के कैसे होते हैं, एडजेसेंट। क्लियर है बातें? इस दुनिया में पासे की अगर हम बात करें तो पासा दो टाइप का या दो भागों में बांटा जाता है, वन इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज मानक पासा, एंड अदर वन इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज गैर मानक पासा या साधारण पासा। नॉर्मल डाइस, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉर्मल डाइस। अपने घर में अगर पासा हो तो देखना ध्यान से उसे, उस पासे में कुछ ऐसी खूबसूरती होगी जो किसी और में नहीं होगी। जैसे आपके घर में अगर कोई भी मार्केट से खरीदा हुआ पासा होगा तो उसके ऊपर में अगर जो भी नंबर होगा और नीचे जो नंबर होगा उसका सम हमेशा ही 7 आएगा। 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट, क्योंकि इसी सिचुएशन में जोड़ 7 आ सकता है, और 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं, तो लिखना है मानक पासे में। यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग, विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 हो, यदि किसी पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 हो, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। मतलब मानक पासे में ये कन्फर्म है कि 1 के अपोजिट में, 2 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में, बिकॉज ओनली इन दिस कंडीशन द सम ऑफ द अपोजिट सरफेस इज ऑलवेज 7। केवल इसी परिस्थिति में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 होगा। इसलिए स्टैंडर्डाइज में अगर प्रश्न आ जाए तो शायद वो सबसे सिंपल प्रश्न होगा कि स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, 2 के अपोजिट, 3 के अपोजिट। तो अब आते स्टैंडर्डाइज पर प्रश्न अगर बनाना चाहे तो वो प्रश्न कैसा बनेगा, आइए जरा लिखिएगा एक प्रश्न।
तीन मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है, थ्री स्टैंडर्डाइज थ्रो ऑन द ग्राउंड, तीन मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है, थ्री स्टैंडर्डाइज थ्रो ऑन द ग्राउंड। यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग पंद्रह हो, यदि उनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग पंद्रह हो, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है, तीन मानक पासों को फेंका है, हमें यह पता है कि वो तीनों कैसे हैं, स्टैंडर्ड मानक पासे मतलब स्टैंडर्ड डाइस है, तो वो जैसे भी गिरे होंगे ये हमें गारंटी है कि महोदय जो भी ऊपर और नीचे का नंबर होगा उसका जोड़, ये तो कंफर्म है ना। और ऐसा केवल पहले में नहीं, दूसरे में भी और तीसरे में भी होगा, मतलब इतनी तो गारंटी है कि सर हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या आए थे, लेकिन इन दोनों का सम सेवन होगा, अगले दोनों का सम सेवन होगा, मतलब इन चारों का सम 14, इन पूरे के पूरे छह का सम 21 होगा। ये सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, इसमें गारंटी होती है, इसलिए सभी छह नंबरों का जोड़ 21 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वो कह रहा है कि ऊपर के जो भी तीन नंबर थे उनका जोड़ कितना था, तो 21 लाने के लिए हमें नीचे के तीनों नंबरों का जोड़ क्या अज्यूम करना होगा। हम कहेंगे कि फिर नीचे के तीनों नंबरों का जोड़ 6 ही होगा, क्योंकि इसी कंडीशन में जोड़ 21 आ सकता है। चेहरे भयानक है, आइए, हम गरीब लोग हैं, हमने माना कि ऊपर 4, 5 और 6 आया होगा, ये क्यों मान रहे हम, जोड़ 15 लाना है, तुम जैसा लाना चाहो, तुम 5, 5, 5 मान लो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जोड़ 15 आना चाहिए। तो मैंने जोड़ 15 लिख दिया यहां पर, अब मुझे बताओ कि 4 के अपोजिट कौन होगा, 5 के अपोजिट, 6 के अपोजिट कितना जोड़ आएगा। हम कहेंगे कि ऑब्वियसली नीचे के तीनों नंबरों का जोड़ फिर 6 ही होगा। तुम ऊपर तीनों 5, 5, 5 मान लो तो भी नीचे का जोड़ अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 2, 2, 2 मतलब 6 ही होगा। कुछ भी कर लो, वैसे तो मेरे हिसाब से मात्र 1 सेकंड, जैसी तीन पासा कहा दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ऊपर नीचे 7, 7, 7, 21, ऊपर का 3, 15, तो नीचे का 6 ही होगा, क्योंकि 15 and 6, 21 तभी बन पाएगा। क्लियर है बात, मेरा सवाल खत्म हो और जवाब आना चाहिए। लिखिए दूसरा सवाल, नोट करते रहिएगा सभी लोग प्लीज ना, ये नोट्स रीजनिंग और मैथ्स के अच्छे बनाना, नोट्स जिन लोगों को रीजनिंग मैथ्स के नहीं बनाते आते, मैं थोड़ा बात बता दूं, क्योंकि रिवीजन करते समय आपको शायद अब रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको नोट्स ही दोहराने हैं ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़ा नोट्स बनाते समय दो चीजें ध्यान रखेंगे, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं उसको प्रॉपर लिखो, या तो एक तरीका या दूसरा तरीका, ताकि आपको क्लियर रहे, नहीं तो पता चल रहा है कि इधर कुछ लिखा है और उधर कुछ लिखा हुआ है। दूसरा, जो लोगों के पास जीवन बहुत ही गरीबी परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिन्होंने अपने पास रफ कॉपी नहीं रखी है, वो अपने फेर में ही रफ भी कर देते हैं, तो जब आप सॉल्व करेंगे खुद तो एक लाइन ऐसी बनाएंगे और वहां लिखेंगे मैंने हल किया है। देखो क्या होता है, मैं बता दूं आप लोगों के नोट्स में कहां गलती आ जाती है, मैंने बच्चों की कॉपियां जब देखी ना तो यकीन मानो मैं रो भी नहीं पाया, क्योंकि मैं किस बात पर रोता, स्नातक की उपाधि प्राप्त विद्यार्थी के अपने कॉपी के निर्माण पर,
उसकी बुद्धिमत्ता पर या मेरे पढ़ाए गए गलतियों पर, क्योंकि उस लाल ने क्या किया, अब मैं जब समझाने जा रहा हूं, उसने क्वेश्चन लिखा अपनी मर्जी से जो भी उसको लगा, फिर वो गलत आया, उसने कुछ जगह गलत भी नहीं किया है, फिर मेरा सॉल्व किया हुआ लिख दिया है। अब मैं सोच रहा हूं कि मान लो गलती से 2 साल बाद ये कॉपी उसने खोली, तो 2 मिनट तक सोचेगा ये मास्टर यहां क्या कर रहा होगा, फिर यहां क्या किया है, तो वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मेरा कहां तक था और मास्टर का कहां शुरू हुआ। तो आपको जो भी एक कॉपी में अगर रखना है तो साइड में आप लिख देंगे कि मैंने हल किया है, उसमें जो गंदगी करनी है करो, पर जिसे मैं हल करूंगा वो दिखना चाहिए कि देखो मास्टर ने ऐसे हल किया था, ताकि रिवीजन करते समय क्लियरली तो पता चले ऐसे सवालों को ऐसे हल करते हैं। क्लियर है? लिखिए दूसरा प्रश्न। 4 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है, 4 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 4 स्टैंडर्डाइज हैं, 4 मानक पासों को जमीन पर एक साथ फेंका गया है, यदि इनकी ऊपरी सतह पर आई, यदि इनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग, यदि इनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 18 हो, बहुत बढ़िया, यदि इनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का योग 18 हो, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। निचली सतह पर आई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या आंसर आएगा? 10। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप इस बार? क्योंकि 4 स्टैंडर्डाइज को जब हम फेंकेंगे तो ऊपर और नीचे जो भी नंबर होंगे हमें नहीं पता वो क्या थे, लेकिन सबका सम 77 टोटल सम, वो ऊपर के चारों नंबरों को जोड़कर कह रहा है 18, तो नीचे के चारों को जोड़कर 10 ही आएगा। फिर आप वो कुछ भी ले सकते हैं, 6, 6, 3 और 3 ऐसे भी ले सकते हैं, ये 1, 1, 4, 4 जो भी आपको एज्यूम करना है वो भी मान सकते हैं। हो जाएंगे इस टाइप के सवाल इसमें? तो जनरली स्टैंडर्ड डाइस में जो सवाल बनते हैं वो इस पैटर्न के बन सकते हैं, लेकिन जिंदगी में स्टैंडर्ड लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, नॉन स्टैंडर्ड लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो टाइटल डालिए गैर मानक पासा या साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक पासा। यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम, यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग, यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस, किन्हीं भी दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग 7 है, तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाता है, तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाता है। अब कंफ्यूजन मत रखिएगा, पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आपको अपोजिट का सम हमेशा 7 मिले तो स्टैंडर्ड, लेकिन अगर नजदीक का सम 7 दिख जाए तो वो नॉन स्टैंडर्ड है।
नजदीक का सम मतलब आपकी आंखों को किसी भी डायग्राम में एक और छह की जोड़ी दिख जाए, अगर वन और सिक्स की पेयर आपको कहीं दिखने लग गई तो आप कहेंगे ये तो क्या हुआ, नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड होता तो वन और सिक्स पड़ोस में नहीं आते। अगर आपकी आंखों को टू और फाइव की जोड़ी कहीं दिख जाए तो आप कह देंगे कि सम सेवन दिख रहा है, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड गैर मानक पासा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आंखों को सात दिखा तो साधारण, नहीं दिखा तो मानक स्टैंडर्ड। क्लियर है ये बात? या फिर आपके सामने कोई ऐसा डायग्राम आ जाए जिसमें थ्री और फोर आपको नजदीक दिखने लग जाए तो आप कह देंगे कि ये डायग्राम किसको दर्शा रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड को। सिंपल, पुनः रिपीट कर रहा हूं, अपोजिट का सम हमेशा सात, स्टैंडर्ड। नजदीक में किन्हीं भी नजदीक का सम सेवन, नॉन स्टैंडर्ड। तो ये जितने चित्र बनाए, यही तीन चित्र घूमेंगे कई बार, वन सिक्स टू फाइव थ्री फोर, ये जोड़ी आंखों के सामने अगर आई तो बता देना कि वो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। अब यहां देखो चैलेंज क्या है। स्टैंडर्ड में मुझे बताओ कि वन के अपोजिट कौन होता है, ये फिक्स्ड है, बट क्योंकि यहां पर डेफिनेशन में तो ये बताया कि नजदीक का सम सेवन होगा, अपोजिट का तो बताया ही नहीं, तो यहां वन के अपोजिट टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी, फाइव भी, और हो सकता है कि वन के अपोजिट छह भी हो। जैसे इस चित्र में अगर हो सकता है कि वन के अपोजिट सिक्स हो, तो वन के अपोजिट सिक्स मतलब केवल एक ही जोड़ी में सेवन आ रहा हो, बाकी में नहीं आ रहा हो, तो भी वो नॉन स्टैंडर्ड होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड में नजदीक का तो सम सेवन कंफर्म है, लेकिन अपोजिट में क्या है पता, और इसलिए सभी संभावनाएं हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है? इसी के लिए हमने तीन नियम बनाए हैं। ये तीन गोल्डन रूल अगर आपको पता है तो आप लाखों सवाल हल कर लेना, एक भी गलत नहीं होगा। और यदि किसी का कोई एक सवाल गलत हो जाए तो सवाल गलत होगा, रूल में कोई गलती नहीं होगी। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करिए, आप लोगों की कॉन्फिडेंस ही बहुत कम होते हैं बार बार। अभी इस समय मुझसे बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, सर मैं दू कि ना दू? भाई मुझे कैसे पता है कि दोगे कि नहीं दोगे? तुम देखो कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो। कुछ बच्चों के दुख आ रहे, सर पुराना सब भूल रहा हूं, तो उसको याद करो। सर मेरा अधूरा है, तो मैंने कहा उसको पूरा करो। सवालों के अंदर ही जवाब छिपे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, क्योंकि यूपीएससी में सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्योंकि अगर इस परीक्षा में आपका स्वयं पर से विश्वास नहीं रहा तो कोई कायनात की शक्ति आपको आईएएस नहीं बना सकती। तो कॉन्फिडेंस उत्पन्न करिए कि मैं करूंगा, क्यों नहीं कर सकता, मैं ही तो करने के लिए लाखों फीस जमा करके आया हूं, और इसीलिए मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरी पीढ़ी में ताकत नहीं है कि कर पाएगी। तो ऐसी आवाजें अंदर से पैदा करो, जैसे ही सुबह उठो सबसे पहले आईने में देखते कहो, क्या स्मार्ट लग रहा। खुद को स्मार्ट नहीं लगोगे तो दुनिया को क्या खाक स्मार्ट लगोगे। इसलिए अंदर से उत्साह पैदा करो और ऊर्जाओं के अंदर अपने ऊपर भरोसा करो कि हाँ करेंगे। जैसे मैंने कहा, 100,000 सवालों में एक भी गलत हुआ तो समझ जाना सवाल गलत था, क्योंकि उत्तर तो गलत हो ही नहीं सकता। मुझे पता है 100,000 कोई करने वाला नहीं है, पर कॉन्फिडेंस रखिए कि कोई गलत हो ही नहीं सकता, रिलैक्स रहो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे, तुम युद्ध करो, मरने का टेंशन मत लो, सब मरने आए हैं, तुम करो, जो होगा देख लेंगे। तो तुम भी पूरी ताकत और पूरी शिद्दत से इस युद्ध में रख जाओ। आइए वापिस आते जीवन पर, थ्री गोल्डन रूल, तीन मूलभूत नियम। पहला नियम एडजेसेंट रूल, निकटतम का नियम।
एडजसेंट रूल, निकटतम का नियम। मुझे एक बात बताइएगा कि पासे में कोई पर्टिकुलर नंबर कितनी बार यूज होता है? एक ही बार। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति 1 से 6 तक में जो भी डिजिट यूज करेगा कहीं भी, वो केवल कितनी बार यूज करेगा। तो सिंपल सी बात, अगर आपको कोई नंबर दिख गया कि उसके पड़ोस में है 2, तो क्या 2 फिर से उसके अपोजिट में आ सकता है? तो लिखेंगे नियम, पासे में जो संख्या निकटतम होती है, पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। एडजसेंट नंबर नेवर कम ऑन द अपोजिट सरफेस। पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी नंबर कितनी बार यूज होता है? केवल एक बार। आइए अब इस रूल के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसे समझना है। हमें बस इतना याद रखना है कि जो एडजसेंट है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो हमारे सामने मान लेते एक प्रश्न है, यूपीएससी जब प्रश्न बनाएगी तो बकायदा लिखेगी नीचे एक पासे के 2 या 3 चित्रों को दिया गया है, उसका भली भांति अध्ययन कर बताइए कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हम जीवन का आनंद लेने आए नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 4 के अपोजिट कौन है ये बताना है। और डायग्राम आपको 2 या 3 कुछ भी मिल जाए, जितने डायग्राम ज्यादा उतना सिंपल सवाल। मिनिमम 2 डायग्राम देना कंपलसरी है, नहीं तो आंसर नहीं दे सकते। तो 2, 3, 4, 6, 1, 4 ये 2 चित्र दिए गए और हमसे पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। पहले बना लीजिए तेजी से प्रश्न, फिर मैं समझाता हूं इसे। बना लिया प्रश्न, पहले चेक कर लीजिए एक बार कि वो नॉन स्टैंडर्ड है या नहीं, क्योंकि ये सारे नियम केवल नॉन स्टैंडर्ड के लिए हैं। नजदीक 7 अगर दिख रहा है तो नॉन स्टैंडर्ड है। क्या दिख रहा है किसी में 7? यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, दोनों चित्र में 7 देखना जरूरी नहीं है। किसी एक में भी 7 दिख गया और बाकी में न भी दिखे तो भी वो नॉन स्टैंडर्ड ही माना जाएगा। 10 चित्रों में एक चित्र में भी 7 दिखा और बाकी में नहीं दिखे तो भी वो नॉन स्टैंडर्ड ही माना जाएगा, क्योंकि कोई डाइस स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड एक साथ नहीं होता। स्टैंडर्ड वो तब माना जाता है जब किसी में भी 7 जोड़ न दिखे, तब हम कहेंगे कि फिर वो नॉन स्टैंडर्ड का डायग्राम होगा। तो यहां पर हमें दिख गया 3 and 4, 7 मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, हम सॉल्व कर सकते हैं रूल से। हमसे पूछा गया कि 4 के अपोजिट क्या होगा, हमने कहा भाई हमें नहीं पता क्या होगा, हाँ लेकिन गारंटी है ये 2 तो, ये 3 तो, ये 1 तो और ये 6 तो, क्योंकि ये दोनों ही डायग्राम उसी डाइस के थे जिसमें 4 पड़ोस में दिख रहे थे। ये हमने कहा 1, 2, 3, 6 नहीं होगा तो कंफर्मली 4 के अपोजिट। हमारा ये नियम ये नहीं बताता कि अपोजिट में क्या होगा, लेकिन ये जरूर बता देता है कि अपोजिट में क्या नहीं होगा। अगर एक ही नंबर बच गया तो वही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है बात, बनाते चलिएगा, मुझे बताए फिर इस डायग्राम में। A से लेकर F तक के अल्फाबेट हमने यूज किए हैं, तो B के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा आपसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि B के अपोजिट में B के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। बनाते चलिए तेजी से सवाल। पहले B
बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ए आ रहा है। अब ऐसा मत सोचना सर जो नहीं दिखता वो आता है, क्योंकि उनके जीवन में दुख मैं लाऊंगा कुछ ही टाइम में। हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है, और रूल कहता है जो एडजेसेंट होगा वो अपोजिट नहीं होता। हमने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या होगा बी के अपोजिट, लेकिन कंफर्म है सी तो नहीं होगा, एफ तो नहीं होगा क्योंकि वो एडजेसेंट है, ई तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। तो हमने कहा कि सी डी ई एफ ये बी के अपोजिट नहीं होंगे, तो फिर एक ही अल्फाबेट बच गया कि बी के अपोजिट ए होगा। इसमें स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां सात वाला कोई खेल है ही नहीं, तो ये नॉन स्टैंडर्ड ही माने जाते हैं। कर पाएंगे इसमें? तो कहीं पर भी पहला नियम सिंपल सा ये कहता है कि हमें नहीं पता अपोजिट में क्या होगा, लेकिन हमें ये कंफर्म पता है कि जो एडजेसेंट बैठा है वो अपोजिट नहीं होगा। क्लियर है बात? लिखिए दूसरा नियम। पहला नियम का नाम एडजेसेंट रूल, दूसरा नियम कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का अंग्रेजी कॉमन, कॉमन रूल। पूरे रीजनिंग में सबसे सिंपल रूल है ये, जिसके बेसिस पर हम आंसर दे सकते हैं, बट ये रूल केवल कुछ ही जगह पर लगेगा जहां कुछ कंडीशन फुलफिल होती है। जैसे लिखना रूल को, यदि किसी पासे के दो चित्रों में, यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो, यदि किसी पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो शेष बची दोनों संख्याएं, तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं, तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं। ये नियम केवल तभी लगेगा जब पासे के दो ऐसे डायग्राम आपको दिखे जिसमें दो नंबर क्या मिलेंगे, कॉमन। अगर ऐसा नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक प्रश्न दिया गया कि दिए गए डायग्राम में थ्री के अपोजिट कौन होगा, तीन के विपरीत कौन होगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, टू थ्री फाइव, फाइव सिक्स टू। हमसे पूछा गया है कि तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो बहुत सिंपल रहेगा ये, क्या दोनों चित्रों में दो नंबर कॉमन हैं? कौन से, फाइव और टू, फाइव और टू। अगर दो लोग कॉमन हैं तो बचे हुए दोनों हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट हो। बहुत ही सिंपल नियम है, सबसे फास्ट आंसर यही देता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनर अगर आपसे कहें, अब मैंने कोई प्रश्न नहीं बनाया पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि हमें नहीं पता कि प्रश्न क्या है, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर अगर कॉमन है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के। अगर ये एक ही डाइस के दोनों चित्र थे तो इसमें डॉलर के अपोजिट
रुपया का सिंबल यूज किया गया है। मतलब हम किसी भी जगह पर जहां दो लोग कॉमन मिल जाएंगे बता सकेंगे कि कौन किसके अपोजिट होगा, खास करके एक सतह तो बता ही देंगे। क्या बता सकेंगे हम? ए के अपोजिट क्यू, क्योंकि दो लोग कॉमन हैं और वो कौन है? ओ और बी। ओ और बी अगर कॉमन है तो ए के अपोजिट, हमें नहीं पता उसने कौन से अल्फाबेट यूज किए हैं और क्या यूज किया है, लेकिन अगर ये एक ही पासे के दो चित्र हैं तो हम इतना दावा कर सकते हैं कि अगर ये दो लोग कॉमन हैं तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दोनों नियम पुनः रिपीट कर रहा हूं। पहला नियम यह बताता है कि जो नजदीक होता है वो अपोजिट नहीं होगा, और दूसरा नियम कहता है कि अगर दो लोग कॉमन हैं तो उस डायग्राम में जो दो लोग बच गए दावा कर दीजिए कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। कोई दिक्कत इसमें? लिखिएगा फिर, ये उदाहरण देते चलिएगा। एक तो ये प्रश्न यहां पर डॉलर के अपोजिट, यहां ए के अपोजिट, एक या दो एग्जाम्पल हमेशा देते रहिए ताकि रिवीजन करते समय हम समझ सके कि वास्तविक रूप में समझाया क्या गया था। बना लिए हैं? लिखिए, बना लिए ना? दो एग्जाम्पल बस बहुत है, दो भी बना दिए तुम। थर्ड रूल, रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम, इसको मैं ब्रह्मास्त्र भी कहता हूं, क्योंकि ऐसा कोई सवाल पासे का नहीं बना जो इस नियम से हल ना हो, बशर्ते वो पहले दूसरे से भी हल ना हो रहा हो। फिर आप कहेंगे सर इसी को पढ़ा देते, ब्रह्मास्त्र का उपयोग अंत में किया जाता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपके सामने एक ऐसा सवाल आया है जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ऐसा विकल्प है, ऐसा नियम है कि उस सवाल की औकात नहीं है कि वो इससे बच जाए। लिखिएगा नियम क्या है। यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या के साथ, तो उस कॉमन संख्या के साथ दोनों पासों में, दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमिए, तो उस कॉमन संख्या के साथ दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूमिए। आइए देखना नियम क्या कहना चाह रहे हैं। ये नियम तभी लगेगा जब पासे के दो चित्र में एक संख्या कॉमन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस नियम का यूज हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमें पूछा गया है पांच के अपोजिट क्या होगा इस दिए गए डायग्राम में, 2, 3, 5, 6, 4, 3।
हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बना दीजिए इसे 5 के अपोजिट। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, आप देखना जो लोग ये सोचते थे जो नहीं दिखता वही होता है, यहां वे लोग गलत कर बैठेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि दोनों चित्रों में कोई कॉमन है, कौन? 3। तो जहां 3 होगा वही से घूर्णन करना है, जैसे घड़ी चलती है सभी को पता है इस दिशा में घड़ी चलती है तो उसी दिशा में घूमना है, कॉमन से 3 से घूमना शुरू किया और 3, 2 और 5 से मुलाकात हुई। यहां भी कॉमन से ही चलना स्टार्ट करेंगे, वो जहां होगा वही से, इस बार कॉमन यहां बैठा है तो हमें मिलेगा 3, 4, 6, उसे उसके नीचे लिख दीजिए। ये केवल हमने रूल के लिए यूज किया, इसका कोई इंपॉर्टेंस यहां नहीं है, पर बाकी नंबर के नीचे जो नंबर लिखे गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट को दर्शा रहे हैं। मतलब महोदय इस डायग्राम में 2 के अपोजिट और 5 के अपोजिट, हमसे पूछा गया था कि 5 के अपोजिट क्या होगा, हम कहेंगे कि 5 के अपोजिट 6 होगा। पर ये रूल मुझे पसंद इसलिए नहीं कि केवल ये उत्तर देता है, ये रूल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये डाइस का कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देता है। इसके पहले का रूल देखना, एक ही आंसर देगा कि कौन किसके अपोजिट, दूसरे नियम में भी बताएगा बस कौन किसके अपोजिट, लेकिन ये सब बता देता है। मुझे बताओ इस दिए गए डायग्राम में 2 के अपोजिट कौन है, इधर ध्यान देना। मान लीजिए मैंने यहां 2 लिखा तो यहां 4 लिखूंगा, कंफर्म हुआ। इस वाले डायग्राम में यहां पर मान लेते हैं मैंने 5 लिख दिया तो इधर क्या लिखूंगा, मतलब 2 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, तो जो 2 लोग बच गए वो भी गारंटेड एक दूसरे के, मतलब इस डायग्राम में 3 के अपोजिट ये भी पता चल गया। ये इकलौता रूल है जो हमें बता सकता है कि दिए गए डायग्राम में सभी सरफेस में कौन किसके अपोजिट है, और इसलिए ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकलौता नियम है जो सब बताने की काबिलियत रखता है कि कौन किसके विपरीत होगा। बट रूल लगाने के लिए जरूरी है एक नंबर का कॉमन होना। आप ट्राई करिए जरा इसे, पूछा गया है कि दिए गए डायग्राम में F के अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट होगा, A से F तक के अल्फाबेट यूज किए हैं। आपसे पूछा गया है कि F के अपोजिट में कौन होगा, F के विपरीत, बना लीजिए पहले तेजी से। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है तो D से क्लॉकवाइज, D A F, D B C। तो हम कहेंगे कि ये तो केवल यूज किया गया A के अपोजिट B और F के अपोजिट C होगा। अगर पूछा जाता A के D के अपोजिट तो ये भी बता सकते हैं कि D के अपोजिट E होगा। तो ये इकलौता नियम है जो सब कुछ बता सकता है। तीनों नियम में पहला नियम एडजेसेंट जो होते वो अपोजिट नहीं होंगे, दूसरा नियम अगर 2 लोग कॉमन है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तीसरा नियम अगर 1 कॉमन है तो कॉमन के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए, अल्फाबेट के नीचे जो अल्फाबेट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट को दर्शाएगा। कर पाएंगे? पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये समझ में आ गई तो आप पढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं, करना मत अभी,
पर फिर भी एक बात और, देखो जितने सवाल मैंने बनाए मुझे ऑलरेडी पता थे कि उस सवाल का जवाब पहले नियम से ही आएगा, दूसरा सवाल दूसरे नियम से आएगा। अब ये सवाल ऐसा नहीं है, आप मेरी हर बैच में देखेंगे तो सवाल मैं अपनी मर्जी से बनाता हूं, तो मेरे दिमाग में कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जो मुझे बता रहा है कि यहां तीसरा नियम लगेगा, यहां पहला लगेगा, यहां दूसरा लगेगा। अगर वो बात आपको पता चल जाए फिर तो आप सवाल देखेंगे और बता देंगे कि ये नियम लगाकर उत्तर निकाल दूं। तो वो बात अब समझनी है कि मास्टर को कैसे पता चलता है कि यहां यही नियम लगेगा। देखो दूसरा नियम तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, सभी को पता है कि दो लोग कॉमन होंगे तो यही लगेगा, इसमें कोई जादू की बात तो है नहीं, तो दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जरा पहले नियम के बाद के सवाल देखिए पलटा कर पेज, पहले नियम के बाद जो सवाल पूछे गए थे वहां भी देखो तो कॉमन एक ही है, यहां देखो कॉमन चार है, यहां देखो तो कॉमन एक ही अल्फाबेट बी है, तो यहां भी एक ही कॉमन था, पर मुझे पता था कि इसका उत्तर पहले नियम से आ जाएगा। और तीसरे नियम में भी तो हमने देखा कॉमन केवल एक ही था और मुझे पता था कि उसका उत्तर केवल तीसरे नियम से आएगा। तो कौन सी बात ऐसी है, देखो दोनों क्वेश्चनों को, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसा कर सकते हो। बहुत बढ़िया, इधर देख लीजिए सभी लोग, पहले नियम के बाद मैंने जो पूछा था ना चार के अपोजिट, देखो दोनों में कॉमन, बी के अपोजिट दोनों में कॉमन, पर जरा ध्यान से देखना तीसरे नियम के बाद जो सवाल मैंने पूछे थे यहां कॉमन था, लेकिन मैंने पूछा था यहां कॉमन था पर मैंने पूछा था, मतलब कॉमन के अपोजिट पूछे तो पहला नियम, कॉमन को छोड़कर किसी के अपोजिट पूछे तो, लिखना है इस पॉइंट को, यदि परीक्षक कॉमन संख्या के विपरीत पूछता है, तो पहले नियम का उपयोग करते हैं, और यदि कॉमन के अतिरिक्त पूछता है, तो तीसरे नियम का उपयोग करते हैं। मतलब कॉमन के अपोजिट पूछेगा जब भी, आपको दिख रहा है वो कॉमन है तो आप सीधा क्या लगा दीजिए, पहला रूल, अगर कॉमन के अलावा पूछ रहा है तो तीसरा रूल। तो मैं आपको पांच सवाल पूछ रहा हूं, यदि पांचों सवालों के जवाब सही आ गए तो समझ जाना कि अब इस ब्रह्मांड में कोई आपको पासे में नहीं रोकेगा। चार ही सही आए तो एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, तीन सही आए तो एक बार पुनः वीडियो देखने की जरूरत है, और अगर केवल दो सही आए तो यह माना जाएगा कि उसका शरीर यहां जरूर बैठा है लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। तो तेजी से पांचों सवाल, सवाल के आंसर के साथ आपको यह बताना भी है कि आपने किस नियम से इसका जवाब दिया है। बनाते चलिए, तीन डायग्राम का सवाल भी देख लेते हैं इसी में।
कि अगर तीन डायग्राम चार डायग्राम दिए पहले प्रश्न में पूछा गया है ए के विपरीत क्या होगा, दूसरे में पूछा गया है परसेंटेज के विपरीत क्या होगा अपोजिट टू परसेंट, तीसरे में पूछा है छह के अपोजिट क्या होगा, यहां पूछा गया है पांच के अपोजिट क्या होगा और यहां पूछा गया है चार के अपोजिट क्या होगा। पांचों सवालों को सॉल्व करिए, जिनके पांचों के उत्तर आ जाए वो हाथ खड़ा कर देंगे बस। हो गए हैं बढ़िया। बढ़िया पांच छः बढ़िया हो गया है। एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करेगा जिनके पांचों हो गए हैं। ठीक है
हमें कोई भी दो डायग्राम चाहिए जिससे आंसर निकल सकता है किसी भी क्वेश्चन में। बताएं पहले प्रश्न का आंसर ए के अपोजिट कौन सा नियम, पहला रूल से आ रहा है तीसरे से, क्योंकि दोनों में कॉमन लेकिन पूछा किसके अपोजिट है। जब कॉमन के अलावा पूछा जाता है तो केवल थर्ड रूल ही आंसर दे सकता है, सी बी ए सी एफ ई, मतलब ए के अपोजिट ए के विपरीत ई आएगा। दूसरा सवाल में कौन सा नियम, सेकंड रूल, क्योंकि कितने लोग कॉमन है, कौन से दो लोग, प्लस ओल सर्कल या ओ, प्लस ओल सर्कल कॉमन है तो परसेंट के अपोजिट दूसरे का आंसर आएगा ट्रायंगल। तीसरा सवाल है छे के अपोजिट नियम पहला, क्योंकि जो कॉमन है उसी के अपोजिट पूछा है, हम कहेंगे कि छे के अपोजिट वन और टू तो नहीं होंगे, फोर और फाइव तो नहीं होंगे, तो वन टू फोर फाइव नहीं तो सिक्स के अपोजिट थ्री ही होगा। रोटेशन से भी आएगा उत्तर, लेकिन फिर वो तीसरी जोड़ी निकालनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये बहुत ही घटिया सवाल है। मेरा सजेशन है कि ऐसे सवाल में हमेशा पहले सेकंड रूल ट्राई करो, क्योंकि सेकंड रूल में देखकर उत्तर बताया जाता है। आप सोचो कि पांच के अपोजिट तो क्या तीन और एक कहीं कॉमन है, नहीं है, पर पांच यहां भी है। क्या थ्री और टू कहीं कॉमन है, बस तो सही, फिर उत्तर आ गया हमारे पास कि थ्री और टू अगर कॉमन है तो बचे हुए दोनों हमेशा ही पहला ट्राय दूसरे नियम से करिए। आप चाहे तो पहले और तीसरे पासे का यूज करके भी उत्तर बता सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हमेशा ही ट्राय करिए कि दो कॉमन दिख गए तो उत्तर बहुत आसानी से। अब ये मत सोचिए कि इसका क्या, इसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो दो डायग्राम चाहिए जिससे हमारा उत्तर आ जाए। हमेशा ही दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। आखिरी सवाल चार के अपोजिट, वन कितने लोगों का है, वन और थ्री, आंसर आएगा फोर के अपोजिट थ्री, क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है। चेक करो तो सही, कहीं सेवन आ ही नहीं रहा है नजदीक में। फाइव एंड थ्री, एट फाइव एंड वन, वन एंड थ्री, क्या कहीं सेवन है, फोर एंड फाइव, फोर एंड सिक्स, सिक्स एंड फाइव, क्या कहीं सेवन है। सभी चित्र में देखना, ये तो अल्फाबेट है, यहां देख लीजिए सिक्स एंड वन सेवन, यहां देख लीजिए फाइव एंड टू नॉन स्टैंडर्ड थे, यहां कहीं पर भी सेवन नहीं आया, मतलब यहां रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में रूल नहीं लगते, वहां फिक्स्ड होता है कि फोर के अपोजिट थ्री ही होगा। वहां लिखना है आपको ब्रेकेट में कि यह मानक पासा है, इसलिए चार के विपरीत तीन होगा। This is a standardized, therefore opposite of to four is three. चार के विपरीत तीन होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पांचों सही आए हैं? चार सही आने वाले लोग, बहुत बढ़िया। बाकी हम नहीं जानना चाहते हैं किसकी आत्मा भटक रही है। तो अभी ये बेसिक सवाल है, अभी हम इसमें नए ट्रेंड के सवाल जोड़ रहे हैं। कल की क्लास, मतलब मंडे के दिन जो क्लास होगी, मंडे हम देखेंगे कि अब नए ट्रेंड के सवाल कैसे।
नहीं कर सकते ना, क्योंकि रूल्स केवल और केवल नॉन स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड में रूल नहीं लगते क्योंकि वहां डिसाइडेड होते हैं। हाँ वो चल जाता है, वो दो कॉमन वाला स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सब में लगता है, बट थर्ड रूल केवल नॉन स्टैंडर्ड। क्लियर है? अब टाइटल डालिए मैथमेटिक्स, गणित पढ़ना है अभी हमें, अभी तो जीवन प्रारंभ हुआ है। अब जरा गणित की कॉपी के बारे में बता दूं, या तो आप नई कॉपी लाएंगे सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि गणित अलग कॉपी में दो कॉपियां लगेगी ही पूरी तरह से। पर अगर हम बहुत ही पर्यावरण प्रेमी हैं कि हम दूसरी कॉपी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप बैक साइड से मैथमेटिक्स का शुरुआत करेंगे। मतलब आप कॉपी के पिछले भाग में मैथ्स की शुरुआत ऐसे चलने देंगे, पर ऐसा मत करना रीजनिंग खत्म हुआ फिर उसी के बाद मैथ शुरू किया, फिर अगले दिन आए रीजनिंग शुरू किया, फिर मैथ शुरू किया, दो महीने बाद खुद ही ढूंढ रहे कहां मैथ था और कहां रीजनिंग। तो या तो दो कॉपियां बनाएंगे, या फिर एक में रीजनिंग आगे से लिखेंगे, दूसरे में उसी में मैथ्स पीछे से लिखेंगे, क्योंकि दो कॉपियां तो लगनी ही है। लिखिएगा मैथमेटिक्स गणित, गणित में हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, लेकिन पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ करना जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे दुखी आत्मा से आए हैं कि उनका कहना है सर दसवीं में मेरा बहुत ही खराब मैथ्स था। सभी का दसवीं तक तो मैथ्स था कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनका 11-12 में मैथ्स था? बढ़िया। ग्रेजुएशन में मैथ्स, पीजी में मैथ्स, ठीक ठीक है। नहीं नहीं, पीएचडी वालों को भी पढ़ाया है मैंने। देखो सबसे पहली बात कि मैथ्स या गणित नाम का जो विषय है रियल में एक जादू है, मैजिक है। क्यों कह रहा हूं मैं? जब दुनिया में किसी भी सवाल का जवाब मनुष्य भौतिक रूप में नहीं निकाल सकता है, तो केवल गणित है जो उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। जैसे एक छोटी सी बात, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वैज्ञानिक लोगों ने कैलकुलेट किया है और वो 9.1 × 10⁻³⁻³ kg है। इस दुनिया में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी जो इस भयानक हल्के द्रव्यमान को माप सके। मतलब आप इमेजिन करिएगा कि इतना समझ लीजिए, इस द्रव्यमान को मापने वाली कोई मशीन है ही नहीं। फिर ये निकाला कैसे इन महान लोगों ने? गणित का सहारा लेकर। आइंस्टीन ने जितनी बातें बताई हैं वो केवल इसीलिए बता पाए क्योंकि वो क्या जानते थे? मैथ्स। गणित उन सभी चीजों को हल करके दिखाने की काबिलियत रखता है जो भौतिक रूप में संभव नहीं है। और हम भी कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं इस पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक में। मैं बस तीन या चार चीजें नहीं सिखाऊंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं तो घर वालों से आज क्षमा मांग लेना और कहना मैं घर लौट रहा हूं क्योंकि मुखर्जी नगर अब मेरे लिए नहीं रहा। ये चार चीजों की उम्मीद आप मुझसे ना करें। मतलब कोई मुझसे ये ना कहे सर मुझे प्लस करना सिखाइए, क्योंकि अगर मैं उसे प्लस करना सच में सिखा भी दूं तो भी मैं उसको आईएएस नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि हम जिस प्रतिस्पर्धा में चल रहे हैं वहां एक स्टैंडर्ड की चीजें हमें सीखनी है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना दुखी है तो मैं कहूंगा कि सच में वो गलत जगह पर है, उसको किसी ने मूर्ख बनाया है। वो आज अपने सत्य से परिचय करके आज क्षमा याचना लेते हुए घर वालों से विनती कर ले कि मुझे ले लीजिए पुनः शरण में, नहीं तो फिर मैं अपना सब त्याग कर सकता हूं और कैलाश की ओर प्रस्थान हो सकता है। तो ये चीजें आप मुझसे ना करें। दूसरी चीज मैं उम्मीद करता हूं, अगर आप चाहते कि सर स्पीड आ जाए, एक्यूरेसी और सिखाना मेरा दायित्व है, पर अगर आप कहते कि सर मेरी स्पीड आ जाए, पड़ोसी कैसे उत्तर दे देता है,
तो उसके लिए कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे 1 से लेकर 15 तक के टेबल याद होने चाहिए। टेबल याद करने से गणित नहीं आता, पर टेबल याद होने से स्पीड बढ़ जाती है। कोई मुझसे कहे सर मुझे याद नहीं क्या गणित आएगा, आएगा। गणित की शर्त टेबल का याद होना नहीं है, पर स्पीड के लिए आपको टेबल याद होने चाहिए। बचपन में मुझे लगता है 10, 15, 20 तक तो टेबल होंगे। आप बड़े खुशकिस्मत थे, जब हमारी पहली दूसरी और तीसरी क्लास होती थी तो उस समय 2.5 और 7.5 के टेबल भी थे, हमें याद करवाए गए थे। अब आप अच्छे लोग थे कि आप जब आए तब सिलेबस बदल गया था और 1, 2, 3 वाले ही टेबल आपकी जिंदगी में रहे थे, नहीं तो 2.5 के टेबल और 7.5 के टेबल भी होते थे। तो 1 से लेकर 15 तक के, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब एक व्यक्ति को मैं ये कैलकुलेशन करने के लिए देता हूं और वो जीवन का आनंद ले रहा होता है। 4, 6, 2, 4, 2, 3, 1, 2। अब इमेजिन करो उस महान शख्स ने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 1 बार जोड़ करेगा और फिर उत्तर आएगा। स्टेप जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी कैलकुलेशन उतना ही गलत होने की संभावना लेकर आएगा। 12 का सीधा टेबल याद रहेगा तो हमारे लिए स्पीड बेटर रहेगी। तो 15 तक के टेबल, मैं ये कहूंगा कि 15 है बहुत अच्छे है, 20 है तो बहुत बेस्ट है, पर 15 तक के टेबल तो एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा ताकि आप वहां टेबल लिख सको। 10 तक तो लिखे होंगे, 11 भी याद होगा, 12 से 15 तक, 16 तक का लिख देना। देखो बचपन अगर सामान्य गुजरा होगा तो रिश्तेदारों के सामने माता पिता ने हवाबाजी के लिए आपको बुलाया होगा, फिर कहा होगा बेटा 13 का टेबल बोल के दिखाओ। अगर बोल पाए तो घर वालों और पड़ोसी ने कहा होगा बच्चा बड़ा होशियार है, नहीं बोल पाए होंगे तो माता पिता ने कहा होगा अभी वो शर्मा रहा है। उस बच्चे को अंदर से अंदर शर्मा नहीं रहा हूं, मुझे नहीं आता है। वो यही सोच रहा होगा। अब हमारे साथ एक्चुअली मुझे नहीं पता, बचपन से ही मैंने गरीब लोगों को पहचानना सीख लिया था। देखो गरीब का मतलब मानसिक रूप से समझिएगा, नहीं तो कई बच्चे मुझसे कहते सर आप गरीबों से नफरत। भाई मैं गरीबों से नहीं नफरत कर रहा हूं, मानसिक रूप से गरीब व्यक्ति मैंने पहचान लिए थे। तो कुछ गरीब लोग होते थे जो जांच करते थे बुद्धिमत्ता की, कि उसको टेबल याद है तो वो बुद्धिमान है। तो हमसे अगर कोई पूछता था कि टेबल कहां तक के याद है, उसकी सीमाएं और उसके विचार से परिपूर्ण बहुत अलग आंसर बताते थे। हम कहते थे 100 तक के टेबल याद है, याद तो मुझे 20 तक के भी नहीं थे। पर मुझे पता था कि वो गरीब एक सवाल पूछेगा, वो कहेगा 99 का टेबल बोल के दिखा। मैंने कहा इसकी गरीबी का जीवन यही तक है, 99 का टेबल इस स्पीड से बोलकर दिखाना है कि सामने वाला वही पर धाराशाही होकर मान ले कि इसको 99 इतना भयानक याद है तो बाकी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। अब वो मुझसे कहेंगे कि कभी कभी हमारे बच्चे को भी कुछ सिखा दिया कर, वहां पर मैं जीत गया। उनको थोड़ी पता है कि 98 तो कुछ भी नहीं पता है कि 98 का अगला क्या आएगा। कुछ लोग मिलेंगे तुम्हें, जब तुम आईएएस की तैयारी करोगे तो कुछ गरीब लोग मिलेंगे, उनको नहीं पता कि 10वीं 12वीं से कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी तुम्हारी मजा लेने के लिए बताओ बेटा 12वीं में नंबर कितने थे। सच बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा बताना है 98.7 थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे 2 पेपर इसलिए खराब हो गए, मेरी तबीयत खराब थी और 2-2 नंबर उसमें काट दिए गए। आज तक उसका मैं रिग्रेट लेकर बैठा हूं। हो सकता है 61 भी ना आए हो, पर सामने वाला व्यक्ति वही सरेंडर कर देगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जाएं देकर जाएगा, कहेगा तुम्हारे जैसे लोग ही आईएएस में आने चाहिए। तुमने कहा मेरे 58 है, तो तू कहेगा देखो बेटा नहीं हो सकता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। भाई 58 आए, क्या परिस्थितियों में लाए, क्या चीजें थी, वो अपनी जगह है। आज मैं किस रूप में पढ़ रहा हूं अलग जगह पर है, पर वो आर्ग्यूमेंट सुनेगा ही नहीं, वो आपको वहीं पर नकारात्मक ऊर्जाएं देकर चला जाएगा। वो तो अपना काम करके चला गया, तुम जिंदगी में अब सोच रहे हो सही तो नहीं करके गया, वो होगा कि नहीं मुझसे। तो पहले उसी को खत्म कर देना है। 12th में कहा तो 97 98, 10th में कहा तो 98 99, 100 मत बोल देना तो चेक करने लग जाएगा वो। तो 98,
ग्रेजुएशन में पूछा तो 80 तक जाना, क्योंकि वहां 95 अच्छे यकीन नहीं करते लोग, तो 80 75 सच बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि गरीब लोगों से कितना लड़ोगे। इतनी नकारात्मक ऊर्जा समाज में है कि जब कुछ करने जाओगे तो चार मना करने आ रहे हैं, एक ने भी ऐसा नहीं कहा होगा कि हाँ तुम करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या चीजें चल रही। जिन्होंने कभी यूपीएससी दिया नहीं वे भी सजेशन देने आ जाते हैं कि तुम्हें पता है यूपीएससी में मैंने एक वीडियो देखा था, वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जिनके माँ बाप आईएएस होते हैं। तो अब पता चल रहा है कि उसने ऐसी बात बोल दी, हम पढ़ने का मूड था पूरा ऑफ हो गया। तो ऐसे लोगों से दूर रहने का सबसे बढ़िया तरीका है उन्हें हमेशा ये महसूस कराते रहो कि तुम बहुत ही सुपीरियर हो। सिलेक्शन होने नहीं होने के बाद की चर्चाएं रहेगी, पर अभी ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है। तो 1 से लेकर 15 तक के टेबल बिल्कुल याद होने चाहिए स्पीड के लिए। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग स्क्वायर, जैसे 1 गुना में 1 ऐसा बना के रख दीजिएगा 25 तक, 2 गुना में 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे 25 तक के। और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब, मतलब 1 × 1 × 1, 2 × 2 × 2, इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे 12 तक के क्यूब 1728, तो आपको स्पीड में बहुत ही मदद मिल जाएगी। 12 का क्यूब भी याद रहेगा तो हमें मदद कैसे मिलती है, कई बार आ जाता है मैथमेटिक्स में हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। अब कोई व्यक्ति अगर इसको याद कर लिया होगा तो उत्तर लिख देगा कि 1331, बाकी व्यक्ति मल्टीप्लाई कर में टाइम बर्बाद करेंगे। तो स्पीड के लिए ये चीज आपके लिए जरूरी है और आपको ये करनी है, तो आप 1 पेज 2 पेज उसके लिए भले ही छोड़ दीजिएगा। अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले कुछ ट्रिक्स और कुछ बेसिक बातें, ताकि आपको पता चले कि कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं। ये जो ट्रिक्स मैं पढ़ाता था शुरुआत में वो इसलिए पढ़ाता था ताकि एक अट्रैक्शन मैथ्स के प्रति हो सके, लेकिन 2014 में और 2023 में उन्हीं ट्रिक्स पर यूपीएससी ने सवाल भी बनाए हैं, तो उस ट्रिक्स को सीरियस लेना, कभी कभी एग्जामिनर उसी से सवाल बना देता है। जैसे कहीं पर भी आपको 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो, 1111 का स्क्वायर निकालना हो, या 11111 का स्क्वायर निकालना हो, मतलब ऐसे नंबरों का स्क्वायर निकालना हो जो सब 1-1 है, वो कितनी बार भी आ जाए, तो इसकी ट्रिक्स ये होती है कि यहां कितने 1 है यहां पर, तो आप 3 तक लिख दीजिए, 1 2 3, और फिर उल्टा लिख देंगे, पर वो 3 एक ही बार रहेगा, जो भी बड़ा नंबर है वो एक ही बार रहेगा, तो 1 2 3 2 1 ये आंसर रहेगा। मुझे बताइए अगर आपसे मैं इसका जवाब पूछूं, अब स्क्वायर क्या होगा इसका, 1 2 3 4 3 2 1, कैलकुलेटर से पहले आ जाएगा, बताएं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 11 का क्या जाएगा फिर, 2023 में ये ट्रिक्स पूछी थी यूपीएससी ने, पूछा था यदि 1 को 9 बार लिखा जाए और इसका वर्ग निकाला जाए तो इसके उत्तर में जो नंबर आएंगे उनका जोड़ क्या होगा, 2023 में इसके आंसर का जोड़ पूछा था। अब देखने को तो ये पहले ही दिन की पहली क्लास की ट्रिक्स थी, पर शायद लोगों ने सीरियस ना लिया हो तो ये सवाल स्किप करना पड़ा होगा, 23 का सवाल है ये। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बस अब इसको जोड़ करके बता देना था, ये 2023 में आया हुआ सवाल है। तो मैं जो बता रहा हूं ट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किस्मत होती है कि हमें ऐसा लगता है बहुत कठिन सवाल आते हैं लेकिन पता चला कि बहुत सिंपल सवाल था। इसका जोड़ 81 आएगा। मैं एक नया तरीका भी दूंगा, पर अभी जो पहली ट्रिक्स आज की हम सीख रहे उत्तर निकाल सकते थे। तो कहीं पर भी 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, हो सकता है एग्जामिनर डायरेक्ट ना पूछे लेकिन ऐसे सवाल बन सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर बताइए, 9 बार 1-1 लिखा था उसका स्क्वायर,
कर पाएंगे अब ऐसे सवाल में, पहली ट्रिक्स। दूसरी ट्रिक्स, किसी भी तीन डिजिट के नंबर में, किसी भी तीन डिजिट के नंबर में 1001 का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो थ्री डिजिट दो बार रिपीट हो जाएगा। 451 गुना 1001 तो उत्तर आ जाएगा 451 451। जैसे 786 इंटू 1001, बताए 786 786, 435 इंटू 1001 ठीक है। 2014 और 2023 दो बार सवाल आया इस ट्रिक्स पर, मतलब मुझे बता नहीं, मैंने तो ऐसे ही बता दिया था चलो भाई कि कुछ मैजिकल चीजों के रूप में पता रहेगा, लेकिन सवाल देखो दोनों बार कैसे आए, और जिसको नहीं पता है शायद ही उत्तर निकाल पाएगा। 2014 में यूपीएससी ने इसी पर एक सवाल पूछा, और वो सवाल ऐसा था यूपीएससी सिविल सर्विस में, एक्स वाई जेड इंटू ए बी, बी ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तब ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, अब मुझे बताए कि एग्जाम हॉल में शायद ही किसी का दिमाग इतना चल पाए कि वो सोचेगा कि एक्स वाई जेड में ए बी बी ए का मल्टीप्लाई करने पर वापिस एक्स वाई जेड दो बार आता है। ये वही व्यक्ति हल कर पाएगा जिसको ये ट्रिक्स दिमाग में आ जाएगी कि अच्छा तीन डिजिट के नंबर में 1001 के मल्टीप्लाई की ट्रिक्स हो। 2014 में ये ट्रिक्स पूछ ली गई। 23 में सवाल पुनः आया, और 23 में सवाल इस बार क्या आया, इस बार का सवाल देखना है, ये आपको मिलेगा एक्स वाई जेड एक छह अंकों की संख्या है, ये किससे डिवाइड होगी। ऑप्शन ऐसे थे 3 और 5 से, 7 और 11 से, 11 और 13 से, 7, 11 और 13 से। अब ध्यान से समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम हॉल में याद आना चाहिए था कि अरे ये तो वही बात हो गई, तीन डिजिट को दो बार लिखना, मतलब उसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 1001 का, मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होता होगा 1001 से, और 1001 डिवाइड होता है 7 से 11 से 13 से। जब हम पूरा मैथ्स पढ़ेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा। तो हमें याद आना चाहिए था कि ये सवाल का आंसर क्या होगा 7, 11 और 13। ये इसी साल का सवाल था, इसी बार यूपीएससी ने पूछा था कि ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी, तो हमने कहा भाई हमें नहीं पता 7, 11 से, लेकिन हमें पता है कि वो किससे डिवाइड होगी 1001 से। तो जो 1001 से डिवाइड हो रही है, 1001 जिसको डिवाइड करेगा या जिससे डिवाइड 1001 होगा उनसे ये भी डिवाइड होंगे। 7 गुना 11 गुना 13 करोगे तो 1001 आता है, तो 7 गुना 11 गुना 13 मतलब वो तीनों से डिवाइड हो सकता है। आप करके देख लीजिए 7 into 11 into 13 1001 होता है। पूछा नए तरीके से है लेकिन ट्रिक्स ही है वही पर। क्या ये पहली बात, दूसरी बात समझ में आ रही है? हमने देखा अभी पहली ट्रिक्स 11 वाला जो कि 2023 में सवाल, दूसरी ट्रिक्स 1001 का रूल। आज की आखिरी बात, एक नंबर का मल्टीप्लाई कभी कैलकुलेटर में करके देखना, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 नहीं लेते 9,
इसका मल्टीप्लाई कभी भी 9 के साथ या 9 के मल्टीप्लाई के साथ करके देखना। आंसर आता है 9 times 1। आप अपने कैलकुलेटर मोबाइल में क्लास के बाद चेक करना, 1 2 3 4 5 6 7 9 into 9। अगर आपने 18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सब 2 2 आ जाएगा, 27 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 आ जाएगा। अब ये ट्रिक्स है, ये एक्चुअली हम कैलकुलेटर पे कभी हल करने के लिए ऐसा करते हैं। अब इसमें यूपीएससी हो सकता है सवाल पूछ ले कि एक 9 में मल्टीप्लाई करने पर हमें केवल और केवल एक जैसी संख्याएं प्राप्त होती है, निम्न में से वो मान क्या है। तो ये ट्रिक्स है। ऐसा एक और नंबर है जिसमें 1 1 आने की काबिलियत होती है, 15 22 07। कक्षा 3 में पढ़ा है मैंने, इसमें अगर 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 times आ जाता है, 8 बार 1 1 आता है। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं, मैजिकल नंबर हैं कह सकते हैं कि हाँ, हवाबाजी जब भी करनी हो पड़ोसियों के बच्चों के साथ तो इस तरीके के कुछ नंबर याद रखने पड़ते हैं ताकि पड़ोसी के बच्चे तुम्हारा रिस्पेक्ट कर सके। हाँ, ये नहीं याद है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लॉजिक है, याद है ये कि भाई कुछ पर्टिकुलर नंबर में इसका मल्टीप्लाई करो तो ये इतना रिजल्ट आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 into 9 1 आ जाएगा पूरा, 15 22 07 into 73 1 1 आ जाएगा। 8 अगर लेंगे तो नहीं आता है, मतलब मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये कोई लॉजिक या कोई ऐसी चीज नहीं, एक मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं। जैसे 1001 है तो 2 2 2 आ जाएगा सर। नहीं, 18 नीचे तो ले सकते ना, 9 18 27 36, किसी का भी मल्टीप्लाई 9 के हिसाब से करो। अगर आपने 9 into 5 मतलब क्या होता है 45 का मल्टीप्लाई किया तो सबके सब 5 5 हो जाए। ये लॉजिक है मतलब इसके पीछे, क्लियर है ये बातें। पर अभी ये बिल्कुल शुरुआती चीज है और इसको करके देखिएगा घर पे, आपको मजा आएगा मैथ्स के साथ कि देखो कितना जल्दी चीजें हम एज्यूम या फिर समझ पाते हैं। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, कल मतलब मंडे 1 आवर, क्योंकि आज तो टाइम चला गया था इसलिए रीजनिंग थोड़ा खींच दिया, लेकिन हर बार शुरुआत की जो क्लास 9 से 10 15 तक रहेगी वो रीजनिंग रहेगा, और 10:15 से लेकर 11:15 का जो टाइमिंग रहेगा वो हमेशा मैथ्स का रहेगा। आज मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आप समझिए कि कैसे चक्रव्यूह से आया हूं मैं, क्योंकि अभी और 2:30 बजे आना है। पर कल से मैं रुका करूंगा बीच में कि आपको कोई भी डाउट रहता वो शीट हम मंगलवार को या सोमवार को पहले दे देंगे, क्योंकि उसमें कुछ शीट में जो आंसरों में मिस्टेक थी वो मैं हटा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ शीट में जो आंसर है वही सही आंसर है। तो मंडे तक मैं डिजिटल या पीडीएफ दे दूंगा और फिर छपकर इनको दे दूंगा, तो छपकर कुछ दिनों में आ जाएगी आपके पास, वो रहेगी। हाँ, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 आएगी। ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा था, यहाँ ए की वैल्यू 1 रखेंगे और बी की वैल्यू 0, 1001 तभी बन पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की बातचीत। बाय अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।